हेलो टू ऑल ऑफ यू माय नेम इज जितिन कुमार वेलकम टू एग्जामपुर कलम से क्रांति सपनों की शानदार सी दुनिया में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का भाइयों का बहनों का और साथियों का स्वागत है मैं जितिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर स्वागत करता हूं कैसे हैं आप सभी साथी एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी लाइव आ जाइए ताकि आज की क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन आप सभी के समक्ष में लेकर आ पाऊं कि हो गया रण का युग बदलने की तैयारी है इतिहास वही लिखेगा संघर्ष जिसका जारी है अभी नहीं तो कभी नहीं युद्ध नहीं रण होगा रण भी बहुत भीषण होगा आज होगा अभी होगा एक बार सारे के सारे आ जाओ मेरे भाइयों सभी के सभी साथियों से कहना चाहूंगा यह क्लास आप सभी के लिए यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस बिहार पुलिस और एस एस सी जी डी सी आई एस एफ आर पी एफ एस एस सी सी जी एल सी एच एस एल हर एक एग्जाम एक के लिए जरूरी है आप सभी को मैं बता दूं रोज आप सभी की क्लास तीन बजे होती है बट आज हम लोगों ने ये क्लास रात में नौ बजे रखी है आप सभी के लिए छोटी सी मैराथन है बेहतरीन तरीके से मजा आ जाएगा आपको रोज चलती है यार क्लास वैसे भी एस एस सी एम टी एस की नौ बजे चलती है क्लास तो एक बार सारे के सारे आ जाओ भाई सभी के सभी साथी बेहतरीन तरीके से क्लास को स्टार्ट करेंगे लाजवाब तरीके से चलिए भाई सभी के सभी भाइयों से कहूँगा एक बार सिलेबस देख लीजिए सभी के सभी साथी ये दिल्ली पुलिस का सिलेबस है अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको पता चल गया होगा इससे ज़्यादा आप सभी के लिए किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं होता है तो आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो चाहे दिल्ली पुलिस की चाहे एम की हर एक एग्जाम एक आप सभी को यही से ही क्लियर हो जाएगा क्लास की स्टार्टिंग करते हैं राधे राधे भाइयों को मेरा नमस्कार जय हिंद कल आठ बजे बोला था भाई ड्यू टू द सम रीजन आप सभी की ये क्लास जो है मेरे बच्चों नौ बजे हुई कुछ ड्यू टू द सम थिंग जो बहुत ज़्यादा जरूरी थी चलिए एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखी हुई है कोर्ट के साथ में स्टार्ट करते हैं कि एक अच्छी पुस्तक हजार दोस्तों के बराबर होती है जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है जो आपको सपोर्ट करता है और यहाँ पर दी हुई हैं आपकी किताब और पेंसिल किसी ने सच ही कहा है यदि आप किताबों के और अपने माँ बाप और गुरुओं के जो है साथियों गुलाम हो जाओगे तो आप एक ना एक दिन बादशाह वन कर निखरोगे बादशाह बनकर कर निखरोगे तो क्लास की स्टार्टिंग करें बेहतरीन तरीके से एक बार सारे के सारे जल्दी से जल्दी ये रहा आप सभी का पहला प्रश्न आज का सेशन में 2000 देखो मैं आज आप सभी को बता दूं सभी के सभी साथी मेरे बच्चों आज के सेशन में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन रखे तो आज के सेशन में मैंने सी के दो के यूपीएसआई के दो के दिल्ली पुलिस के मेरे भाइयों आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले 2022 के और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जो 2020 के प्रश्न हैं वो आप सभी के लिए लाजवाब सत्तर प्रश्न हैं ये आंसर करेंगे सारे के सारे बेहतरीन तरीके से राम राम भाइयों को मेरा नमस्कार जल्दी से आंसर कीजिए एम के लिए भी आप इस क्लास को देख सकते हैं भाइयों आप सभी को बोला है कि साथियों यहां पर, परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा वॉट विल बी बीजिट ऑफ परसेंटेज एक बार सभी के सभी साथी बताएंगे परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा आंसर कीजिए क्वेश्चन है बहुत बढ़िया यूपीएसआई का ये क्वेश्चन देखो यूपीएसआई ने क्या किया है मैं आप सभी को बताऊंगा यूपीएसआई ने किया है साथियों देखो यहां पर अगर आप देखोगे ये एट द रेट है ये एट द रेट को घुमा के दिया हुआ है साथियों डॉलर है और यह भी डॉलर को घुमा के दिया है तो दोनों कट जाएंगे जो आएगा वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा साथियों यहां पर आपका हैश का विपरीत क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज तो आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी विल बी द वेरी परफेक्ट उत्तर दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल आंसर करिए देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे वट विल बी डॉ टर्म विच विल कम हेयर इन द प्लेस मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आंसर कर दीजिए राम राम भाइयों को मेरा नमस्कार आंसर करिए सारे के सारे सभी के सभी साथी बेटा क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है बेटा लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है एक बार सारे के सारे जल्दी से आ जाओ भाई आंसर कीजिए जल्दी से सभी के सभी साथी एक बार सेशन को शेयर करेंगे और मैं वादा करता हूं आप सभी से एक एक सेशन इतना बेहतरीन होने वाला है एक एक क्वेश्चन को बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से बारीकी से प्लॉट कर, कर लेकर आया हूं बेटा ये क्वेश्चन आपका सीजीएल का आया हुआ है यहां पर बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है क्या हुआ है जरा देखिए एक बार सारे के सारे यहां पर बीच में दे रखा है क्वेश्चन मार्क और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है क्या हो रहा है ध्यान से देखो जितने भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं क्वेश्चन में मजा आ जाएगा यहां तीस तिया नब्बे का आधा पैतालीस देख रहे हो ना कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई तीस तिया नब्बे का आधा पैतालीस हो रहा है आगे आ जाइए साथियों स... तीस साथियों सौ और आ, कितना एक सौ अस्सी भाई एक सौ अस्सी का आधा हो जाएगा एक सौ नब्बे आगे आ जाइए छह छुनी बारह का आधा छह पच्चीस धुनी पचास का आधा साथियों पच्चीस पच्चीस चौका सौ का, का आधा पचास बहुत प्यारा क्वेश्चन है पच्चीस चौका सौ पचास से पचास चौक हो जाएगा साथियों आपका दो सौ का आधा सौ अब यहां आ जाइए पचास गुणा तीन करोगे डेढ़ सौ और डेढ़ सौ का आधा जाएगा पिछहत्तर ये कौन है भाइयों ये मैं ही हूं देख रहे हो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ हूं अभी तुम लोग सेशन को शेयर कर दो जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं ढाई सौ दे आर रहे करेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग इतना प्यारा क्वेश्चन आप सभी को अगर पहली बार तुम लोगों ने देखा है तो ये क्लास आप सभी के लिए यूपी पुलिस के लिए भी क्लास हो सकती है बेटा यूपी पुलिस के लिए भी एक बार सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन बोलो गुरुजी जी मोए तो जे क्वेश्चन आते ही नहीं है ये वो क्वेश्चन है भाइयों जिसमें आप सभी के सभी साथी परेशान होते हो तीसरा क्वेश्चन बहुत बहुत प्यारा है आंसर कीजिए तुम लोग एग्जामनर से पता क्या कहोगे एग्जामनर तुम्हें एग्जाम कराना मैं आऊंगा जरूर एग्जामपुर का छात्र हूं कुछ करके दिखलाऊंगा जरूर मुझे तुमरे तुम्हारे पेपर बनाने की औकात जाननी है मेरी जीत और तुम्हारी हार जाननी है लोग पूछे कि तेरी आंखों में पेपर का डर या खौफ क्यों नहीं मैं मुस्कुरा कर कहूं अभी तेरी इतनी औकात नहीं अभी तेरी इतनी औकात नहीं निकालो जरा ये वो क्वेश्चन है साथियों जिसमें आप सभी फंसते हो देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे लिखा हुआ है बॉम्बे को किसी सांकेतिक भाषा में बी ओ एम बी ए वाई बॉम्बे को किसी सांकेतिक भाषा में एम वाई एम वाई एम वाई बेटा ये क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं होता ध्यान रखना उसी सांकेतिक भाषा में तमिलनाडु को क्या लिखा जाएगा तमिलनाडु को क्या लिखा जाए यह क्वेश्चन बहुत लाजवाब है जरा निकालो क्या आ रहा है बी आ रहा है ओहो, ओहो हो। देखते हैं कितने कर पाएंगे एक बार सारे के सारे शेयर कर दो भाई सभी के सभी साथी देखते हैं भाई कितने कर पाओगे बेटा यहाँ पर एम कितने पर है तीसरे पर और वाई कितने पर है छठे पर टोटल लेटर कितने एक दो तीन चार पांच छ पता है क्या हो रहा है ये तीसरा छठा तीसरा छठा तीसरा छठा समझ रहे हो इस बात को बेटा तीन तीन छह तीन छीन ये आपका टोटल छह बार मतलब तीन बार रिपीट हो गया अच्छा इसमें टोटल कितने लेटर रहे? एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन अब तुम भी यही करो तुम क्या करो बेटा यहां तीसरा छठा और नवा लेटर उठा लो और ये नौ लेटर होने चाहिए टोटल तो एम एन यू एम एन यू एम एन यू बेटा एम एन यू एम एन यू एम एन यू ऑप्शन नंबर बीस का आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन कितना लाजवाब था ये क्वेश्चन काफी 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 चर्चित क्वेश्चन था सीजीएल का क्वेश्चन बेटा अच्छा क्वेश्चन था मजा आया एक बार सारे के सारे बहुत प्यारा प्रश्न है ये समझ लो तुम हो और ये समझ लो कोई और है डांस हो रहा है बेटा आंसर कीजिए लीची फल से संबंधित है ये ऐसे ही नहीं लगा दिया मैंने कभी तुम सोचो यहां पर ये भांगड़ा हो रहा है नहीं बेटे ये आप सभी के लिए लीची फल से संबंधित है जाइब किससे संबंधित है जाइब आंसर कीजिए जाइट किससे संबंधित है राइट द काइंडली डाइट द आंसर जल्दी से आंसर कीजिए सारे के सारे आंसर करो बेटा सभी के सभी साथी आज हर एक क्वेश्चन का रिकॉल हो जाएगा मेरे भाइयों सभी के सभी साथी आंसर कर दीजिए आंसर कर दो बेटी सारे के सारे ए रहा है नृत्य अरे ये और कुछ थोड़ी ना हम जो बाबू वो होता नहीं है ये ऐसे एस ऐसे करके जो डांस करते हैं ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 घुमाते समझ रहे हो ना तुम लोग तो बेटा ये डांस है क्या है मेरे भाइयों ये डांस था पिछला वाला क्या था मेरे बच्चों देखो ध्यान से ये ये पैरों को नीचे मारते कट, कट 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 तो जैसे लीची एक फल है लीची एक फल है जाइ क्या है मेरे बच्चों नृत्य है क्या है नृत्य है डांस है डांस है सही है आंसर कीजिए देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को क्वेश्चन है आप सभी के लिए यूपीएसआई का यूपीएसआई का आंसर कर दो हम्म ज्योति सही है भाई कपल डांस ओपो आधे तो न सोच रहे मेरी कब बारी आएगी कपल डांस की इधर आ जाओ जॉन की कक्षा में परीक्षा में शामिल होने वाले 50 परसेंट लड़के उत्तीर्ण हुए हैं पचास परसेंट पास हुए हैं उनकी कक्षा में अड़तालीस लड़के हैं मतलब अगर अड़तालीस लड़के हैं तो चौबीस पास हुए होंगे सीधी सी बात है। भाई परसेंट लड़के पास हुए ना तो अगर टोटल जो है कोई एक जॉन की कक्षा एक परीक्षा हुई उसमें पचास परसेंट पास हुए और टोटल अड़तालीस लड़के हैं तो इसका मतलब चौबीस पास हुए होंगे आइए पहला देखिए यहां पर देखिए सारे के सारे जॉन की कक्षा में परीक्षा में शामिल हुए 50% लड़के फेल हुए बेटा अगर एक बार बताओ 50 पास हुए हैं तो 50 फेल हुए होंगे बिल्कुल सही बात है भाई 50 जब पास हुए तो 50 फेल भी तो होंगे टोटल 50% अगर पास हुए हैं तो 50% फेल होंगे बिल्कुल ठीक है। और 24% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ये भी ठीक है बेटा 50% उत्तीर्ण हुए हैं जिसमें 48 थे टोटल तो 24 बच्चे ही तो पास हुए होंगे तो आंसर आएगा दोनों पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं मजा आया बेटे बोथ राइट इसका आंसर आ जाएगा बोथ राइट समझ में आया सभी को हाँ भैया आंसर कीजिए सभी के सभी साथी आपको जल प्रतिबिंब निकालना है। एक बार सारे के सारे सेशन को शेयर कर देंगे सभी के सभी साथी कि हौसला व मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर वो समुंदर भी आएगा न थक कर बैठना मेरे मंजिलों के मुसाफिरों ये मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा आंसर कर दो आज लगातार देखो ये समय मैं मानता हूं तुम्हारे इंस्टाग्राम चलाने का है किसी के मैसेजेस आ रहे होंगे तुम्हें वो देखने होंगे उनका रिप्लाई करना होगा वो भी बहुत जरूरी है ना बेटे वो कुछ जरूरी नहीं है जब एक टाइम पर जॉब नहीं लगी ना तो समझ लेना मेरे लाल और मेरे लालियों दोनों समझ दोनों के लिए एप्लीकेबल है आधे तो इसी बात का इंतजार कर रहे ना जॉब लग जाए दोनों घर पे बताने हैं हवे बेटे मेहनत करनी पड़ेगी लड़को तुम्हें मेहनत कर लो चुपचाप लोपचा और तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं अभी दिखाऊंगा बीच में बेटे तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं मेरे भाइयों एक बहुत बेहतरीन जिसका तुम्हें था इंतजार सारे के सारे तुम लोग आधे से ज्यादा बहुत परेशान होते थे ये जल प्रतिबिंब दिया गया है बेटा जल का मतलब होता है ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर जैसे मैं बोलूं यहां पर ये मैं आप सभी को बोलूं ए का जल प्रतिबिंब क्या होगा बेटा ए को नीचे देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार से आएगा ठीक है बेटे कुछ इस प्रकार से आएगा जैसे मैंने बोला सी को जल में देखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा सी सही है भाई अप का डाउन डाउन का अप हो जाता है तो यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर स्पेलिंग मिसमैच है गलत है बेटा ये स्पेलिंग मिसमैच है गलत है अब यहां पर ध्यान से देखो इसमें जो है पी गलत है बेटा क्योंकि अगर आप पी को ये बनाओगे ना इसका पी का तो ये बनेगा ध्यान से देखो ये उल्टा बना हुआ है ऑप्शन नंबर ए ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए जल्दी से कमेंट कर दो जल्दी से कमेंट कर दो ए से लेकर जेड तक कितने अक्षरों का जल प्रतिबिंब समान होता है ए से लेकर जेड तक कुल कितने अक्षरों का जल प्रतिबिंब समान होता है जल्दी बता दीजिए सारे के सारे बताओ भाई सारे के सारे लीजिए ये क्वेश्चन इजी है निकालिए त्रिभुजों की कल संख्या निकालो भाई आंसर कीजिए भाई सारे के सारे तुम लोगों को मैं कुछ दिखा रहा था मैं भी एक गिफ्ट की बात कर रहा था जब तुम लोग ना अभी जब तुम सेशन को क्या कर दोगे सेशन को 500 से ऊपर करोगे तो बेटा मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूं वास्तव में तुम्हें बहुत बेहतर लगेगा मैं इस बात की गारंटी देता हूं तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल गिफ्ट होगा बेटा मैं प्रॉमिस करता हूं ठीक है तो एक बार सारे के सारे जरा सभी के सभी साथी सभी के सभी साथी 500 से ऊपर जैसे ही करोगे तुम लोगों के लिए एकदम से टप से आ जाएगा मामला भाई साहब यहां पर अगर आप देखोगे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है यहां ध्यान से देखिए पहले तो इस वाले पार्ट से अगर आप निकालोगे इतने वाले पर इतने पर तो यहां अगर आप देखोगे मेरे बच्चों एक त्रिभुज ये है एक त्रिभुज ये है एक त्रिभुज है और एक पूरा बड़ा वाला टोटल चार त्रिभुज आगे हाँ ना? अब इस वाले पार्ट से अगर आप देखोगे इस वाले पार्ट से इस वाले पर भैया एक दो तीन टोटल जोड़ोगे तो छह यहां से आगे भाइयों। भैया यही तो तरीका होता है छह आगे अब यहां से एक त्रिभुज ये है एक त्रिभुज ये है छ और दो मेरे बच्चों आपका आठ आ गया ठीक है छह और दो यहां पर इन्हें काउंट नहीं किया अभी बाहर लिख देता मैं तीन को अब इधर पॉइंट से एक त्रिभुज देखो सॉरी एक, एक, एक ये वाला तुम लोगों ने नहीं लिया एक ये वाला तुम लोगों ने नहीं लिया एक पूरा बड़ा वाला ये नहीं लिया एक पूरा बड़ा वाला ये तुमने नहीं लिया बेटा यहां से दो और दो इधर से आए दो इधर से आए चार और एक पूरा का पूरा बड़ा वाला, पूरा का पूरा बड़ा वाला। एक पूरा का पूरा बड़ा भी एक अभी बीच वाला कर लिया होगा चलिए ध्यान से देखिए कितने आ गए टोटल छ और दो आठ आठ और दो दस दस ग्यारह बारह बारह और तीन बेटा बारह तीन पंद्रह सोलह सत्रह अठारह बेटा अठारह इस क्वेश्चन का सही उत्तर 18 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा 18 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 18 विल बी द राइट आंसर मजा आ गया मजा आ गया बोलो हाँ या ना संगीता रुचि समझ में आया सभी को अरे 18 आ जाएगा बोलो गुरुजी मेरा तो 12 से ऊपर आ गया तो मैंने 18 कर दिया क्लिक अरे मान जाओ वाह क्या प्रश्न है ये योगा की व्या, ये व्यक्ति जो है ना तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हें नालायक योगा करना बहुत जरूरी है तो कितना शांत है ये मैं ही हूं आंसर कर दो एक बार सारे के सारे आप सभी के लिए एक लाजवाब गिफ्ट तैयार किया है एक बार सारे के सारे 500 से ऊपर लेकर चलेंगे लाजवाब तरीके से सभी के सभी साथी समय आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है या तो आप मेहनत कर लो बीच रण में कूद जाओ या फिर भाइयों वही वाली बात है कि समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं आंसर कीजिए करो भाई डी आंसर आ रहा है इधर आ जाओ देखो हुआ क्या है मैं तुम्हें कायदे की एक बात बताता हूं ये इतना सिंपल क्वेश्चन है बेटा पता मैं सीजीएल का क्वेश्चन है मैं यहां लिख भी लाता कि कहां, कहां है लेकिन हम लोग रोज ही आप सभी को पता है मैं सीपीओ सीजीएल दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई के ईयर ही करा रहा हूं तो मैंने कहा कब तक लिख के लेकर आऊं यहां पर कब तक लिख के लिख के आ रहा हूं तुम लोग बस क्लास में आ जाया करो बस और क्या चाहिए छोटी छोटी बातें हैं बेटे इधर आइए ये।, ये क्या है बेटे सोलह के वर्ग सोलह का वर्ग कितना होता है दो सो छपन में से एक घटाया गया ये एक, ये वाला एक एक वाला है ध्यान रखना बेटा यहाँ पर तेरह का वर्ग होता है साथियों आप सभी के लिए तेरह का वर्ग होता है वन सिक्स नाइन में से ये चार घटाया गया चार आया यहां से मेरे लाल पंद्रह का वर्ग होता है मेरे बच्चों पंद्रह का वर्ग होता है दो सौ पच्चीस और 225 में से बेटे ये छह घटाया गया तभी तो 219 आया और ये छह कहां से आए यहां से लेकिन ये डायरेक्ट चौदह का वर्ग लिखा हुआ है इसमें से तीन घटाने का मतलब यहां पर एक तिरानवे आना चाहिए था बेटा एक सौ तौरानवे एक सौ तिरानवे आना चाहिए था इसीलिए देखो सी वालों ये कौन है कैलाशी मीना कैलाशी मीना मेरी बिटिया मैं बता रहा हूं इधर से कौन ही पड़ेगी बेटा इधर से उई 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 आवाज भी आएगी बहुत तेज मान जा मेहनत नहीं चल रही है कुछ भी सी आंसर कर रहे मुस्कान के मित्रों तुम भी मान जाओ यो जितने भी है ना गलत उत्तर करने वाले मान जाओ अगला प्रश्न सारे के सारे बहुत प्यारा बेटे देखो भाई कोई हल्के क्वेश्चन लेकर नहीं आया कभी तुम सोचो कांग्या भाई भाई एक एक क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन करके लेकर आया है। हर एक क्वेश्चन बहुत प्यारा एक बार सारे के सारे आंसर करो आंसर करो सभी के सभी साथी आंसर कीजिए बच्चों अंजलि 500 से ऊपर एकदम सु गिफ्ट मिल जाएगा जैसे ही 500 हो जाएंगे हाँ भाई सारे के सारे कुछ ए बी हैं बेटे कुछ ए क्या है कुछ ए क्या है बी है कुछ ए बी है और कुछ बी सी है आगे आइए कोई ए डी नहीं है बेटा कोई ए डी नहीं है ध्यान रखना कम से कम का कोई मतलब नहीं होता कम से कम को कुछ कहते हैं क्या कहते हैं कुछ कहते हैं बोला कुछ ए सी है दोनों के डायग्राम टच नहीं हो रहे मेरे बच्चों क्या है ये गलत है आगे आ जाओ सभी बी सी है बेटा सभी बी सी होने की संभावना है ये लिखा है सभी बी सी होने की संभावना है बेटा बी और सी फ्री इलेक्ट्रॉन है ये बी ए में भी जा सकता है सी में भी जा सकता है लेकिन पूरा बी डी में नहीं जाएगा क्योंकि ए और डी की लड़ाई है बाबू बी और सी के लिए ये सही हो जाएगा कि सभी बी सी है ये एक संभावना है पूरा बी चला गया सही है बेटा आगे आ जाइए को कोई डी सी नहीं है बेटा गलत है डी और सी का संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता केवल दूसरा वाला सही है, है, बेटा, है. है. देखो, इन लोगों से मिलो. कुछ ए सी है है, ये, ये, ये है? A, है भाई कुछ ए सी कहां दिख रहे तुम्हें डायग्राम भी गलत बना लिया दिखे नगे आओ जल्दी बताओ एन का विपरीत बताना एन का एन eh. का विपरीत बताइए जल्दी से सारे के सारे लाइक like करते चलो प्यार बांटते चलो ये क्लास आठ बजे होनी थी लेकिन बेटा आठ बजे विवेक सर ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है तुम लोगों के लिए तो वो वो जरूरी था इसलिए हम लोगों ने लास्ट टाइम पर डिसाइड किया कि नौ बजे क्लास करेंगे ठीक है भाइयों सर यूपी पुलिस के लिए अब पांच सौ से ऊपर करो तुम्हारे लिए लाजवाब चीज लेकर आया तुम्हारा भाई पांच सौ से ऊपर तो करो दिखाता हूं अभी यहां ध्यान से देखिए बेटा सारे के सारे भैया मेरे वीरों ये एन है एन का विपरीत बताना इन दोनों में ये दोनों में के के कॉमन है योगेंद्र जी पकड़ के घुमा लो पकड़ के घुमा लो सबसे पहले आएगा के एन ए फिर आएगा मेरे बच्चों के यू डब्ल्यू कॉपी पेन लेकर बैठो सारे के सारे कॉपी पेन लेकर बैठो कॉपी पेन इसके बाद में पजल या सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है बेटा यू इसका आंसर सही हो जाएगा जो जिसके नीचे आता है आंसर कीजिए भाई सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन है निकालो निकालो सर आप यूपी पुलिस में पढ़ाइए आंसर करो सारे के सारे बेटे देवेंद्र मेरे भाई आज सभी के सभी भाइयों से बोलना चाहूंगा तुम लोगों के प्यार और स्नेह के कारण हमने ये डिसाइड किया है सारे के सारे पहले इस क्वेश्चन को कर लो फिर क्या डिसाइड हुआ है बताते हैं यहां ध्यान से देखिए ये पहले नंबर पर नीचे फोल्ड हो रहा है फिर दूसरे नंबर पर आपका राइट से लेफ्ट फोल्ड हो रहा है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसे रिवर्स लेकर चलोगे बेटे रिवर्स पन्ना खोलते हो ना तो रिवर्स खोलता और प्रतिबिंब रेखा यहां पर रख के चलोगे ये त्रिभुज आ गया ये गोला आ गया एक ही आ गया अब यहां पहला वाला काटोगे तो एक आ गया एक ये ये आ आ आ गया 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 त्रिभुज नीचे की तरफ आएगा त्रिभुज नीचे की तरफ आएगा तो यहां पर अगर आप देखोगे बेटा ये त्रिभुज नीचे आने चाहिए थे यहाँ चार गोले आने चाहिए थे यहाँ चार गोले आने चाहिए थे बेटा ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा सभी के सभी साथी इस क्वेश्चन को करने से पहले तुम लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ बेटे हम लोगों ने कुछ तुम लोगों के लिए दिखाया है ये है बेटा यूपी पुलिस के लिए लाजवाब क्लास कल से बड़े परेशान हो रहे हो ना तुम लोग यूपी पुलिस के लिए क्लास नहीं है सर क्लास नहीं है बेटा यूपी पुलिस की शून्य से शिखर तक की क्लास रोज शाम छः बजे से यहां लिख रहा हूं मैं रोज शाम छह बजे से चला करेगी मैंने एक एक डाटा लिया बच्चों से पूछा कि सुबह ठीक है या शाम ठीक है मैंने क्या बोला सभी के सभी साथी बेटे मैंने आप सभी से क्या बोला कि मैंने सबसे पूछा सुबह सही है या शाम सही है तो मेरे बच्चों बच्चों ने कहा सर शाम को ठीक है मैंने शाम छह बजे से रोज यूपी पुलिस की क्लास कर दी है जिसमें मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा और आप सभी के लिए टेस्ट भी चलेंगे सही है ठीक है चलो आ जाओ जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी आंसर कीजिए यह क्वेश्चन सीजीएल का है इसमें बोला हुआ है या तो बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता यह तुम्हें चेक करना होगा यू शुड हैव टू चेक पांच सौ हो गए देखो योगेंद्र जी आप कैसी बातें करते हैं? जान दे देंगे इसके लिए क्या बात करते हो आइए यहां ध्यान से देखो लिबरल बेटा एल आई बी आर ई एल बेटा दो एल नहीं है इसमें इसीलिए ये नहीं बनाया जा सकता सबको चेक करना पड़ेगा आगे आ जाइए दूसरे वाले को देखो भाई सारे के सारे सभी के सभी साथी रिलेशन आर ई एल ए टी आई ओ एन ये बनाया जा सकता है बेटा ये बनाया जा सकता है आगे आइए अगला चेक कीजिए सबको चेक करना पड़ेगा सीरियल एस ई आई एसई आर आई ए एल बनाया जा सकता है बेटा मतलब आंसर आ गया पहला वाला कि पहला वाला नहीं बनाया जा सकता ये तीनों बनाए जा सकते हैं जरा एक बार देखना बिटर्न बनाया जा सकता है बी आई टी टी ई आर एन बेटा ये भी बनाया जा सकता है मतलब इन तीनों में या चारों में तीन बनाए जा रहे हैं एक बनाया नहीं जा सकता ये आपको लेटेस्ट क्वेश्चन है दोनों में से चेक करना यू शुड बच्चों, आपको चेक करना है मेरे भाइयों आपको चेक करना है आइए स्त्री माँ और डॉक्टर में से कौन सा अलग है मतलब कौन सा डायग्राम बनेगा एक बार सारे के सारे सेशन को उड़ा के चलो बेटे बंदना सविता, शाम को अरे तो तीन बजे वाली कर लेना ना तुम तीन बजे वाली बंद थोड़ी ना होगी दिल्ली पुलिस की तीन बजे चलती है बेटे दिल्ली पुलिस की तीन बजे चला करेगी यूपी पुलिस की बेटा आप सभी के लिए छह बजे चला करेगी यूपी पुलिस की छह बजे चला करेगी और एमटीएस की मेरे भाइयों जो है वो कितने बजे चला करेगी रात नौ बजे जो चलती ही है ध्यान रखना ये क्लास बहुत जरूरी है क्योंकि जब दिल्ली पुलिस का पेपर होगा तो ये क्लास रात में नौ बजे आ जाएगी इस बात को मैं कह रहा हूं तुमसे आइए यहां ध्यान से देखो वुमेन और मदर बेटा और डॉक्टर क्वेश्चन आप सभी के लिए यूपी बी में भी आया और आप सभी के लिए एस SI आई में भी आया तो मैं बता दूं बाबू मां जो होती है वो स्त्री होती है माँ स्त्री में जाएंगी सारी की सारी अम्मी जो है वो बेटा सभी अम्मी किस में जाएंगी माँ जो है वो स्त्री में जाएंगी और कुछ स्त्री डॉक्टर होती है कुछ टीचर होती है कुछ साइंटिस्ट होती है कुछ बेटा हाउस होती है बेटे तो यहां कुछ का संबंध आएगा ऐसे ही कुछ माँ डॉक्टर होती है कुछ स्त्री बेटा कुछ माँ डॉक्टर होती है कुछ साथियों हो, साइंटिस्ट साथी हो, साथी हो, हो, होती है टीचर होती है एंकोलॉजिस्ट होती हैं सभी के सभी साथी तो यहां पर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा ये हो जाएंगी माँ मेरी म प्यारी म ये हो जाएंगी स्त्री और ये हो जाएगी, जाएगी, जाएगी बेटा डॉक्टर क्या हो जाएगा मेरे लाल डॉक्टर क्या हो जाएगा डॉक्टर डॉक्टर हो जाएगा डॉक्टर ठीक है भैया सही है भैया सारे के सारे सभी के सभी साथी सही है भाई सारे के सारे दीपेंद्र लग रहा है तेरा दिमाग सही ना है ये वही है मैं बताऊं एक जगह मैं पढ़ाने गया पढ़ाने गया तो एक क्वेश्चन आया ये वाला बेटा यहां पर था औरत हालांकि जितने पुराने वाले होंगे वो मुझसे कहेंगे गुरु जी दूसरा एग्जाम्पल भी दे दो तो मैंने कहा नहीं दूंगा मैं इसे ही पढ़ा एग्जाम्पल दे दे के तुम्हें बोर करूंगा औरत आदमी पागल बेटा इसका डायग्राम क्या होगा ये ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो ये डायग्राम क्या होगा मेरे बच्चों सारे के सारे बता दो इस क्वेश्चन का डायग्राम क्या बनेगा मेरे भाइयों इस क्वेश्चन का डायग्राम क्या बनेगा मेरे बच्चों यहां पर सारे के सारे इस क्वेश्चन का डायग्राम बता दो क्या बनेगा चार ऑप्शन दे दिए ए आदमी औरत पागल बेटे आदमी औरत पागल मेरे बच्चों जल्दी से बता दो सारे के सारे इस क्वेश्चन का डायग्राम सर आप मुस्लिम हो क्या बेटा मैं 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 इंडियन हूं ना मैं हिंदू हूं ना मुस्लिम हूं ना सिख हूं ना ईसाई हूं मैं एक भारतीय हूं बेटे मैं पढ़ाते हुए जब नहीं देख पाता ये चीजें कि सर आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं तो आप मुझसे कैसे पूछ सकते हो कौन ही मारूंगा मा बोतल इधर से रंग भर के मारूंगा मा बोतल नालायक बेटे आंसर बता दीजिए सारे के सारे बच्चे कह रहे हैं डी नालायक को तुमने पुरुष और महिला को दोनों को मिला दिया भैया आदमी औरत का तो संबंध ही नहीं बनेगा मतलब ऐसा वाला नहीं आदमी औरत का योगेंद्री संबंध ही नहीं बनेगा तो ये तो हो ही नहीं सकते आंसर आएगा बेटा ए ऑप्शन कैसे कुछ आदमी पागल हैं और अधिकतर बेटा मानता हूं चलो मतलब चलो मान लिया दोनों सेम सेम पागल हैं लेकिन आदमी औरत का कोई संबंध नहीं तो ये हो जाएगा औरत ये हो जाएगा बेटा पागल और ये हो जाएगा आदमी कायदे में आंसर ये होगा लेकिन जब मैं एक जगह पढ़ा रहा था पढ़ाते पढ़ाते मेरे मित्रों

और मैंने कहा ये पागल बाकी तू समझ जा मेरे लेक्चर में नहीं आई मैंने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की वो मुझे देखती थी थी रन ले देती एकदम से मुड़ जाती थी मुझे भी नहीं पता चला ये क्यों हुआ तुम्हें भी नहीं पता चला हो तो मैं भी नहीं समझ सकता बेटा चलो आगे यहां पर ओ, चलो निकालो जल्दी से बाबू आठ लोग हैं केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं आंसर कीजिए बेटे आंसर करो सारे के सारे प्रिया कह रही है बड़ा मजा आया देखो अपनी कर भैया इसका लेना देना नहीं है लेकिन हाँ वास्तव में भगवान की कसम ऐसा हुआ था बेटा मैं एक जगह पढ़ाता था ऐसा हुआ था मैं झूठ नहीं बोलता तुम लोगों से बेटा आठ जने जरा निकालो जल्दी से सारे के सारे मजाक अपनी तरफ बेटा आप सभी के सभी साथियों से कहूंगा लाजवाब तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन बेहतरीन है आंसर कीजिए एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एच एक केंद्र की और बैठे हुए हैं चक गोल चक्कर में अब यहां से क्वेश्चन निकाल के देखिए बस इतना मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम लोगों को दे रहा हूं दो मिनट का टाइम और खुद ले रहा हूं मैं एक मिनट का टाइम मैं तुम्हें दे रहा हूं दो मिनट का टाइम और खुद लूंगा मैं एक मिनट का टाइम लीजिए भाई इंग्लिश वालों तुम्हारे लिए भी हिंदी वालों तुम्हारे लिए भी यहां से टाइम स्टार्ट हो गया जब आप अंदर की तरफ देखते हो तो ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है निकालिए निकालिए आंसर कीजिए सारे के सारे सर पांच पीएम पर पीहू बेटा नहीं ऐसा नहीं करते बेटे गलत बात होती है भगवान माफ नहीं करेगा निकालो जरा भाइयों पी एम के बाएं तीसरे स्थान पर और टी और का मतलब होता है दूर वाला और का मतलब होता है बेटा दूर वाला पी का टी से संबंध हो रहा निकालिए कॉपी पेन लेकर बैठो अगर अभी भी ना लेकर बैठो तो दिक्कत हो जाएगी सही है भाई हाँ ऐसे ही करते बेटा हमारे यहाँ चलो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं अपना क्वेश्चन लिखना ध्यान से देखो पी एम के बेटा जिसके बोला जाता है इसे छुपा लेते हैं दूसरे को एम के बाया तीसरा मतलब दो का देकर दे बेटा यहाँ पी आ जाएगा और और का मतलब पहला वाला पी टी के दाएं दूसरा टी के दाया दूसरा पी आ गया अब बोला हुआ है एन पी के दाएं को दूसरे स्थान पर पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है बेटा एन है आगे आ जाइए अब लिखा हुआ आर डब्ल्यू ड़ के दाएं दूसरे स्थान पर जो जो का मतलब पास वाला एम के दाएं और दूसरा है बेटा डब्ल्यू एम के दाया दूसरा दाया दूसरा और आर डब्ल्यू के दाएं को दूसरा आर डब्ल्यू के दाएं को दूसरा बोला हुआ है एफ पी का पड़ोसी नहीं है एफ पी के बगल में नहीं आएगा तो बेटे एफ यहां आ जाएगा सीधी सी बात है एफ यहां नहीं आएगा पी के बगल में अब बोला हुआ है क्या बचा बेटा जो बचा वो इधर लिख दो एच एच के तत्काल दाएं कौन है एच के तत्काल दाया जो हो जाएगा एंटी क्लॉग मेरे बच्चों एंटी इसका वाइज एन हो जाएगा, N इसका सही हो जाएगा. Less than one minute में हमने कर दिया ये, less than one minute में हमने कर एन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सभी के सभी साथी आंसर क्या हो जाएगा बेटा आप सभी के लिए एन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चलिए आंसर कीजिए हाउ मेनी टोटल रेक्टेंगल विल बी देयर इन द फिगर लगभग इस क्वेश्चन में जितने भी बच्चों का एन आया या जिनका भी नहीं आया जिन्होंने समझ के किया वो भी अच्छा है एट तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें परेशान कौन करेगा यही तो क्वेश्चन करेगा सीटिंग अरेंजमेंट पजल मैं जान पूछ के लेकर आया हूं पांच क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट पजल के पांच क्वेश्चन बेटे निकालिए निकालो निकालिए और जो रुकेगा वो पाएगा जो खो जाएगा वो रो जाएगा सीधी सी बात है बेटा चलिए यहां ध्यान से देखो क्या इन दोनों लाइनों से कोई फर्क पड़ रहा है इन लाइनों से कोई फर्क पड़ रहा है या इससे कोई फर्क पड़ रहा है अरे त्रिभुज थोड़ी ना गिनने आयत गिनने तो यहां से लाइनों से जो फर्क पड़ेगा वो केवल इतना फर्क पड़ेगा जो लाल लाइन बना रहा हूं ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला इसके अलावा और किसी लाइन से फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं इसको यहां पर सुंदर सुंदर सा बना देता हूं बेटे ताकि आप सभी को बिल्कुल ये आ जाएगा ये 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 आ आ आ जाएगा, जाएगा, जाएगा और ये आ जाएगा बेटा जरा निकालिए इस क्वेश्चन को सारे के सारे यहां से एक दो तरीका यही होता है दो तीन चार पांच, छ लिखकर जोड़ लो लिखकर जोड़ लो बेटा चार पांच, दस पांच पंद्रह और छह इक्कीस इक्कीसियां कितने आएंगे मेरे लाल यही तरीका होता है इधर लिखिए इधर लिखिए जो भी आए उसकी मल्टीप्लाई लिख के जोड़ो जोड़ने के बाद में मल्टीप्लाई जोड़ो जोड़ने के बाद में मल्टीप्लाई जोड़िए जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई कर दो यह तरीका होता है आयत का आंसर क्या आएगा बेटा 63 इसका आंसर सही हो जाएगा एक बार सारे के सारे शेयर करेंगे मेरे भाइयों। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है एट्टी फोर ओ माई गॉड एट्टी फोर आ रहा था शर्म नहीं आई चलिए पीहू बेटे नहीं बेटे ऐसे काम नहीं करते बेटा मान जा मान जा त्रिभुज गिन लिए हैं अच्छा सर आप कहां पर क्लास लेते हो बेटा मैं दिल्ली पुलिस की रोज तीन बजे क्लास लेता हूं नौ बजे आपकी एमटीएस की क्लास होती है और छह बजे यूपी पुलिस की क्लास होती है इस टाइम पर एग्जाम्पुल पर मेरी तीन क्लासे चल रही हैं तीन बजे छह बजे और नौ बजे तीन छो तीन छो तीन छो सही है भाई चलिए आप किसी भी क्लास में आ सकते हो यहां ध्यान से देखिए बेटा सारे के सारे बोला हुआ है एक घड़ी का समय तीन बजकर तेरह मिनट पच्चीस सेकंड हो रहा है जल प्रतिबिंब बताइए बेटा कभी भी जल प्रतिबिंब के लिए ना जल प्रतिबिंब के लिए एक तरीका होता है जल प्रतिबिंब के लिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा है ध्यान से देखो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कहीं आया हुआ नहीं है ये मैंने बनाया है जल प्रतिबिंब के लिए बेटा आपका तरीका होता है तुम अट्ठारह बजकर तीस मिनट से घटा दो समय को आपका जल प्रतिबिंब बन जाएगा क्या बन जाएगा जल प्रतिबिंब नहीं कोई वो नहीं हो रही है बफरिंग आपका नेट खराब चल रहा है ठीक है भाई यहां पर ध्यान से देखो जल प्रतिबिंब के लिए तरीका होता है में से आप उसको घटा दो जो भी वैल्यू दे रखी बोलो गुरु जी तुम्हें हमने तो अट्ठारह तीस पढ़ा था इसमें ये घंटा है ये मिनट है बोलो गुरु जी सेकेंड की वैल्यू तो है ही नहीं तो मेरे बच्चों आपने अधूरा पढ़ा है सेकेंड की वैल्यू जीरो जीरो होती है सेकंड कितने होते हैं शून्य सेकंड होते हैं अब तुम क्या काम करो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं साठ सेकंड तो तुम क्या करो बेटा अठारह कर, एक मिनट उधार ले लो बोरो क्या ले लो बोरो जल्दी बोलो क्या बोलो बोरो बोरो मतलब उधार एक मिनट जब आप उधार लोगे तो यहां पर हो जाएगा उनतीस और यहां पर हो जाएगा साठ बेटा एक मिनट में साठ सेकंड अब आप घटा सकते हो तीन बजकर तेरह मिनट पच्चीस सेकंड आप जब घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आ गई पैंतीस यहाँ से आ गया सोलह और यहाँ आ गया पंद्रह पंद्रह बजकर सोलह मिनट पैंतीस सेकंड का मतलब होता है तीन बजकर सोलह मिनट और पैंतीस सेकंड ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए देखो कितने बच्चे कर पाए हैं बहुत बढ़िया गुरुकुल से हैप्पी को हैप्पी सिंह सर को प्रणाम प्रणाम मेरे बच्चे प्रणाम मेरे बाबू रोज देखो यही फायदा होता है अब गुरुकुल बैच वाला बच्चा है ये बेटा ये मैंने इसे ऑफलाइन बैठा के पढ़ाया है और ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं ऐसे क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए कराए हैं चलिए आयत बताइए कुल कितने हैं एक बार सारे के सारे सभी के सभी साथी 600 से ऊपर लेकर चलेंगे सारे के सारे शबाश बेटा सभी के सभी साथी सारे के सारे आंसर करिए सभी के सभी साथी कि लगा के आग दौलत की हमने ये शौक पाले कोई पूछे तो बता देना कि हम एग्जाम्पल वाले भरोसा बनाए रखो बेटा बस एक बात का ध्यान रखना एक टीचर को पकड़े रहो और उसी के साथ लगे रहो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप सभी के सभी साथियों को पक्का इतना कह सकता हूं कि तुम लोग अपने आप पर भरोसा करो और अपने गुरुओं पर भरोसा करो काम बनता चला जाएगा काम बनता चला जाएगा चलिए बिट्टू आंसर कीजिए यहां पर देखो एक इसमें आयत कितने होंगे तो इसके लिए तरीका क्या बेटा इसके लिए आयत कितने होंगे भाइयों तरीका वही है एक दो तीन और यहां एक लिखोगे सीधी सी बात है बेटा सबको जोड़ो जोड़ने का मतलब दस आ गया अब दस की मल्टीप्लाई एक से करो तो दस एकम दस ही आएगा मतलब इसमें दस आयात होंगे कितने आयात होंगे बेटा दस तो ए यहां पर कितने आयात आ गए मेरे बच्चों यहां पर आ गए दस आयात कितने आ गए बेटा दस आयात, आयात इसमें से आ गए बाबू तीन इसमें से आएंगे कैसे एक ऊपर वाला एक नीचे वाला और एक पूरा बड़ा वाला तो तीन आयात इसमें से आ गए और तीन ही आयात इसमें से आएंगे कितने आएंगे बेटा एक ऊपर वाला एक नीचे वाला और एक पूरा बड़ा वाला तो तीन तीन छोला आगे आ जाइए मेरे बच्चों यहां पर ध्यान से देखो एक आपने दो और आएंगे कितने आएंगे दो तो सोलह तीन तीन छह और दस सोलह और दो अठारह बेटा अठारह इसका आंसर सही हो जाएगा 18 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेरी माँ एक बच्ची कह रही है मेरी माँ नाम रख रखा है इसने सत्रह पता नहीं बेटा सत्रह कैसे कर दिया बाबू आपका उत्तर गलत है मैं बता रहा हूं अगर तेरा नाम कुछ अच्छा सा होता ना तो मैं इधर से बता रहा हूं मैं मंत्रों का जाप पढ़ा देता ओम रिजनाय नमा ओम रिजनाय नमा लेकिन तुम क्या तुम्हारा नाम थोड़ा सा अच्छा है मेरी माँ माँ को नहीं कह सकते ना ऐसे करो आंसर सारे के सारे आंसर कीजिए भाई सभी के सभी साथी आंसर करो भाई सारे के सारे बिट्टू आंसर कर बेटा निशु शिवी अंकुश माई जानवी संडे का दिन है आज इस दिन को अपना बना लो आप सभी के लिए बहुत मेहनत करेंगे बहुत मेहनत करेंगे वादा करता हूं तुम सभी से सही है भाई बहुत मेहनत करने वाले हैं आंसर कीजिए सारे के सारे बेटे क्वेश्चन बड़ा प्यारा निकालिए जरा लिखा है कौन सा अक्षर क्या लिखा हुआ है कौन सा अक्षर बाएं सत्रवें के दाएं चौथे से बाया सातवा होगा बेटा ये लिखा हुआ है कौन सा अक्षर बाएं बाएं साथियों के दाया बेटे बाएं सत्र के दाया चौथे के बाया सातवा बेटे क्वेश्चन बड़ा प्यारा है जरा ध्यान से देखिए यहां पर एक बार ध्यान से देखो बाएं सत्र के दाएं चौथे के बाया सातवा तो सबसे पहले दाएं बाएं को सॉल्व करो पहले इन दोनों को सॉल्व करो एक बार बताऊं ये लेफ्ट होता है ये राइट एक ट्रेन के डिब्बे में एक ललिता बैठी हुई है और एक राहुल आ जाए तो बताओ राहुल लॉलिता के पास बैठेगा या नहीं बैठेगा खुद बताओ सीधी सी बात है बेटा ललिता ना भी चाहे ना तब भी राहुल बैठ जाएगा कोई बात नहीं भाभी जी थोड़ी देर के लिए अगले स्टेशन पे उतरना है कहने का मतलब यह दोनों जुड़ जाएंगे और जब दोनों जुड़ेंगे तो सत्रह और चार इक्कीस लेकिन सीट हमेशा जो पहले बैठता है उसकी ज्यादा होती है वो थोड़ी सी हट जाएंगी ऐसे करके चलो बैठ जाओ लेकिन थोड़ी सी भाई सीट किसकी ज्यादा होगी ललिता की ज्यादा होगी यह आ जाएगी इक्कीस लेफ्ट से इक्कीस ये लेफ्ट आ गया बेटा अब सोचो एक लोलिता तो पहली बैठी हुई है इनका रिजल्ट आ गया लेफ्ट से और और दूसरी और आ जाए तो पता पहली दूसरी लोलिता से क्या कहेगी पहली दूसरी से कहेगी चले जा मेरा पति जो है पानी लेने गया बच्चों के लिए बाहर जगह नहीं है अगली सीट छोड़ अगला डिब्बा छोड़ पूरी ट्रेन दूसरी में बैठ के आ जाए इधर मत बैठ जाइए इनसिक्योरिटी यहां घट जाएगा ये और जब घट जाएगा तो लेफ्ट से चौदह का मतलब होता है एन नेशनल चिल्ड्रन डे बेटा एन आ जाएगा चौदह नवंबर बेटा चौदह पर कौन आता है लेफ्ट से एन आता है ठीक है बच्चों चलिए आइए अगला आ जाइए क्वेश्चन इजी है निकालिए आंसर कीजिए भैया बॉइस स्लो है कैसी बातें कर रही है बेटा कैसी बातें कर रही है मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं कैसी कैसी बातें कर रहे हो बेटा आवाज आपके फोन में खराब हो रहा होगा आंसर कीजिए भाई आंसर कर आंसर कर दो क्वेश्चन प्यारा है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम ऑल ऑफ देम कौन क्वेश्चन प्यारा है ये मानजा बंदना आवाज सबको सही आ रही है तेरा ही खराब आ रही है तेरा फोन एक काम कर मोबाइल ले बेटा दीवार में मार दो बार सही हो जाएगा यहां ये अगर क्या हो रहा है बेटा 11 99 प्लस 1 100 बटे 11 इधर हो रहा है 13791 और नौ, नौ बाबू सत्य और नौ सौ बटे तेरा ये यूपीएसआई का क्वेश्चन सत्रह पंजे पिचासी सत्रह पंजे पिचासी और पंद्रह सौ बटे सत्रह लास्ट वाला देखिए बेटा उन्नीस पंजे पिचानवे और छो एक सौ एक बटे उन्नीस बाबू आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो अलग है ऑप्शन नंबर डी बिल विदा करेक्ट उत्तर क्योंकि ऊपर सब में 100 100 100 आ रहा है लेकिन डी वाले में ओ 101 आ रहा है क्वेश्चन बड़ा अच्छा था मजा आ गया बेटे क्वेश्चन में अगला आ जाइए जल्दी से सारे के सारे वाह ये क्वेश्चन नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए दरिया है तैर कर आगे जाना होगा जिस भी भाई नुन ने क्वेश्चन यू सही कर दिया आंसर करो भाई सारे के सारे बहुत प्यारा बेटा नहीं बेटा बनना ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है तुम्हारा आंसर करो जल्दी आंसर करो क्वेश्चन आया हुआ है सीपीओ का सीपीओ का नहीं है ये वैसे ये दिल्ली पुलिस का ही है ये क्वेश्चन करो सारे के सारे वो एक्चुअली में मैंने चश्मा उतार दिया ना तो मुझे देख नहीं रहा कहां से है अभी जो मैं चश्मा पहन लू पहले ये बेटा दिल्ली पुलिस का ही प्रश्न है दिल्ली पुलिस का है चलिए आइए भाई शिव जी इधर आ जाओ बेटे यहां क्वेश्चन को समझना है गुणा और प्लस को आपस में चेंज करना है बट अगर मैं गुणा और प्लस को आपस में चेंज करूंगा गुणा और प्लस को आपस में चेंज करूंगा तो पहले वाले क्वेश्चन को देखिए जरा सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन को यहां पर बोर्ड मास को फॉलो कर लेना दो आना यहां पर बेटे पहले भाग करोगे तो दो आ गया छह दूनी बारह और यहां पर साथियों बारह और यहां सोलह में से बारह जाएगा तो बेटा चार आएगा कितना आएगा चार बराबर दो ये यहां पर पहला वाला जो है बेटा ये सही नहीं है ये सही नहीं है इक्वेशन भन सही नहीं है दूसरा आइए दूसरा इक्वेशन चेक कीजिए ये आप सभी के सभी साथी बोला हुआ है सोलह गुणा चार माइनस का नौ प्लस का एक भाग तीन बेटा तो अगर आप देखोगे सभी के सभी साथी सही किया है, है हमने सही किया है हमने प्लस और गुणा आपस में हाँ भाई सारे के सारे अगर आप देखोगे सभी के सभी साथी बेटा यहां पर क्या हो जाएगा सोलह चौका बराबर साठ आ रहा है कितना आ रहा है साठ सही है भाई प्लस और गुणा को आपस में चेंज किया है अगर मैं यहां पर बोलूंगा बेटा सोलह चौका चौसठ और यहां पर माइनस का नौ बराबर एक बटा तीन बेटा टोटल कितना आ गया चौसठ में से नौ जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों चौसठ में से नौ जाएगा तो आएगा पचपन और यहां पर अगर आप देखोगे मतलब ये किसी भी कीमत पर साठ के बराबर नहीं आएगा किसी भी कीमत पर साठ के बराबर नहीं आएगा किसी की कीमत पर सभी के सभी साथी ही साठ के बराबर नहीं आएगा तो यहां पर आएगा ये भी सही नहीं है बेटा ना तो ये भी सही है क्योंकि बटे में वैल्यू आएगी खुद ही सोच लो आप सारे के सारे एक बटा तीन हो जाएगा बेटा एक बटा तीन अब एक बटा तीन आ जाएगा अगर आप देखोगे पचपन प्लस एक बटा तीन करोगे तो यहां पर आ जाएगा पचास एक सौ पैंसठ प्लस का एक बटा तीन तो एक सौ छियासठ बटा एक बटा तीन तो एक सौ छियासठ एक बटा तीन कितना आएगा पंद्रह तीन पंजे पंद्रह

आंसर कीजिए भाई सारे के सारे आंसर करो भाई सभी के सभी साथी अच्छा क्वेश्चन हाउ मेनी टोटल स्क्वायर आर देर आंसर कीजिए आंसर करो चौबीस आ रहा है किसी का बीस भी आ रहा है एक बात का ध्यान रखना एक प्लस में हमेशा मेरे बच्चों एक प्लस में कितने होते हैं तो एक प्लस में जो वर्गों की संख्या होती है बेटा एक प्लस में एक दो तीन चार और ये बड़ा वाला पांच टोटल पांच वर्ग होते हैं एक प्लस में. तो अगर मैं बोलूं इसमें कितने हैं पांच हैं इसमें कितने हैं पांच हैं इसमें एक है और नीचे से इस वाले प्लस में कितने बेटा नीचे से बॉक्स बराबर होने चाहिए पांच इसमें आ गए कितने आ गए बेटा पांच एक ही आ गया छठा आगे आ जाइए एक ये हो गया सातवा और एक हो गया बेटा आठवां और एक पूरा बड़ा ये नीचे तक बीच तक बेटा ये वाला ध्यान से देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं सारे के सारे ध्यान से देखिए बेटा एक ये वाला ये वाला ये वाला एक बस ये बस खत्म तो अगर आप देखोगे पांच या पंद्रह पंद्रह और पांच बीस इसका आंसर सही होगा बेटा पंद्रह और पांच बीस पंद्रह और पांच एक, एक 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 करके बीस इसका आंसर सही आएगा हु दे दे आर आंसरिंग नीड टू टेक मेडिसिन बेटा चौबीस वालों दवाई के साथ में दुआएं लगेंगी मान जाओ बे मान जाओ मान जाओ मैं बता रहा हूं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तुम लोग कतई ध्यान नहीं दे रहे सेशन पर शेयर कर दो सारे के सारे मेरे वीरों आंसर कर दो यार समझ में आया सभी को राम मोहर देसवाल पूजा बेटे यार अभी कोई कह रहा था आवाज जो है वो धीमे आ रही है तो मैंने इसलिए तेज कर दिया यार आवाज बन्ना शुक्ला जी मैं तो खुद चाहता हूं कि मेरी सुरीली आवाज तुम्हारे कान तक बहुत हल्के हल्के आए सोना आंसर की क्या आंसर आ रहा है जरा देखिए कुछ भी नहीं है एक दो तीन चार को जोड़ा दस आया और दस का वर्ग करके आधा कर दिया बेटा पचास सही है ग्यारह क्वेश्चन में मिसमैच हो गई भाई क्वेश्चन में मिसमैच मिसमैच हो गई बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन में मिस में मिसमैच हो गई यहां पर जो था ना बेटा यहां पर जो था सभी के सभी साथी अगर आप देखोगे इनको जोड़ने पर आता दो का वर्ग बटा दो तो ऑप्शन गलत है बेटा सबको एक नंबर मिल गया आंसर आएगा मेरे बच्चों दो ठीक है बेटा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर नोटा लोटा आंसर सही होगा आंसर होगा मेरे बच्चों नोटा लोटा सबको नंबर मिल गया सबको एक एक नंबर मिल गया जाओ लो अपनी जिंदगी जाओ एक तो सबके आ ही जाएंगे एक क्वेश्चन तो सबका सही है आंसर कीजिए आंसर करो भाई सारे के सारे आंसर कीजिए भाई सभी के सभी साथी आंसर करो भाई पता है क्या करा इन्होंने ग्यारह का स्क्वायर बटे पांच का ग्यारह का स्क्वायर बटा दो कर दिया बेटा वो गलत है सबको जोड़ना है मेरे से भी जल्दी जल्दी में ग्यारह लिख दिया मैंने उसमें तभी तो नहीं आ रहा था ओह रंजना बहन जल्दी कर दो निशु आंसर करो <coughs> चंदन प्रिया क्वेश्चन प्यारा है किसी सांकेतिक भाषा में इनअन लैंग्वेज वॉट विल बी द कोड ऑफ डांस इन दैट सर्टेन लैंग्वेज बेटा क्वेश्चन बड़ा प्यारा है यहां सी का उल्टा एक्स ए का उल्टा जेड आई का उल्टा आर एल का उल्टा ओ टी बीस पर आता है और डब्ल्यू तेईस पर आता है बेटा प्लस का कितना हो जाएगा

ताकि एक घंटा पता चला तुम्हें तो सच सच बताओ बेटा एक घंटा पता भी नहीं चला होगा आप सभी के लिए लाजवाब क्लास है मेरे बच्चों मैं वादा करता हूं जिस टाइम तुम्हें नींद आने लगे उस टाइम चले जाना बस मन लगाकर कॉपी पेन उठा लो आज क्वेश्चन लाजवाब में बेटे ये क्वेश्चन है इनिक्वालिटी का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का इन का यहां ध्यान से देखिए बेटे इसमें हमेशा आपको पहले यह देखना होता है रास्ते बन रहे हैं नहीं बन रहे नहीं हो तो कैसे चलेगा। जैसे हम किसी से करना चाहें। तो बेटा, पहले होने जरूरी है। अगर ही नहीं मिलेगा, तो बेटा, कैसे काम चलेगा खुद ही सोचो ना तुम समझदार हो तो तुम्हें बी से ई तक जाना है क्या तुम बी से ई तक जा पाओगे बेटे तुम्हें बी से ई तक जाने के लिए क्या चाहिए बेटा बी से तुम जा रहे हो सी सी से तुम जा रहे हो डी और डी से तुम जा रहे हो ई मेरे बच्चों ध्यान से देखो बी से सी सी से डी डी से ई e, जा पा रहा हूं रास्ते बन गए रास्ते क्या होगा बेटा बन गए अगर रास्ते बन गए तो हमें तीन साइन को देखना जरूरी है किन किन साइनों को बेटा तीन साइनों को पहला दूसरा तीसरा बेटा इनमें प्रायोरिटी लिस्ट चेक करते हैं अगर तीनों रास्ते बन गए मतलब रास्ते बन गए तो अगर इनमें कौन कौन सा साइन आ आ रहा रहा है है ये दूसरे नंबर का ये ये आ आ रहा रहा तीसरे नंबर नंबर का पहले का पहले अगर ये पहले दूसरे तीसरे नंबर का साइन आ गया तो बेटा रास्ते के बीच में तुम्हें पहले वाला साइन रखना पड़ेगा इसमें कौन सा वाला साइन है ये दूसरे नंबर का साइन है इसीलिए ये गलत है बेटा हमें प्रियोरिटी लिस्ट के हिसाब से चलना पड़ता है रास्ते बनने के बाद में साइन देखे जाते हैं अच्छा अगर तुम बी से एफ तक जाना चाहो तो बेटा बी से जाने के लिए रास्ते चेक करो बी से सी सी से डी डी से ए, ए से एफ रास्ते में तुम्हें कौन सा साइन मिला दूसरा पहला तीसरा बेटा आपको पहला दूसरा तीसरा तीनों मिल गए अब आपको चाहिए प्रियोरिटी लिस्ट के हिसाब से पहले नंबर का साइन तो मेरे बच्चों ये पहले नंबर का साइन है आंसर क्या हो जाएगा दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर जाएगा दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर जाएगा पहला गलत दूसरा सही पहला गलत दूसरा सही क्वेश्चन प्यारा है निकालिए यूपीएसआई का फेवरेट क्वेश्चन है निकालो जिसे दिख नहीं रहा है मैं दिखा देता हूं बेटा जिसे नहीं दिख रहा मैं दिखा देता हूं रुक जाओ जरा सारे के सारे जिसे नहीं दिख रहा मैं दिखा देता हूं बेटा ये एल दे रखा है ये आर दे रखा है ये बत्तीस है मेरे बच्चों ये के दे रखा है ये डब्ल्यू दे रखा है ये छत्तीस है ये एन है ये एच है ये बाईस है आगे आइए ये क्यू है ये वाई है और ये चौवालीस है चलिए निकालिए जरा देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे दिख तो रहा था यार आंसर कीजिए बेटा सभी के सभी साथी एक बार सारे के सारे सेशन को शेयर करेंगे एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी आंसर कर दो और कोई भी मार्ग से अभी विचलित नहीं होगा तुम लोग क्वेश्चन देखते हो बेटे जो नहीं आते उसमें तुम लोग हड़बड़ा जाते हो और उसमें जाने की कोशिश करते हो YouTube की विडंबना है कि अगर आप इस बात को देखो ये खेल नहीं है आसा बस इतना समझ लीजिए दरिया है तैर कर जाना होगा है ना जो तुम्हें आता है वो अच्छे से करो जो नहीं आता और ध्यान से पढ़ो उसे चलिए ध्यान से देखिए जरा क्या हो रहा है इसमें यहां देखेंगे एल कितने पर है बेटा एल है बारह पर आर अट्ठारह पर है दोनों को जोड़ोगे तो तीस आ रहा है आ गया ये के ग्यारह पर है डब्ल्यू तेईस पर है दोनों को जोड़ोगे तो चौतीस आएगा यहाँ ये एन चौदह पर है एच आठ पर है चौदह और आठ होगा बेटा बाईस क्या होगा बाईस हाँ सही है और क्यू सत्रह पर है और बाई पच्चीस पर है दोनों पर जोड़ोगे बयालीस एक बात बताओ इसमें अगर आप देख रहे हो प्लस का टू हो रहा है बेटा इसमें प्लस का टू हो रहा है इसमें भी प्लस का टू हो रहा है इसमें भी प्लस का टू हो रहा है लेकिन यहां इक्वल है बाईस बराबर बाईस आ रहा है तो ऑप्शन नंबर होगा डी ठीक क्योंकि ये तीसरा वाला जो फिगर है ये ऑप्शन नंबर डी पे दे रखा है देखो देखो सी वालों अरे सोनम त्यागी कह रही है सी होगा रे बाबा मेरी बच्ची मेरी बहन मेरी बिटिया एक काम कर रीजनिंग की किताब का पहला पन्ना फाड़ना है जिसमें इंडेक्स में सारे चैप्टर लिखे होते हैं उसको मेरी बच्ची एक एक सिलबट्टे पे उस पन्ने को कतई पीस ले चूरा चूरा हो जाए जब कताई पानी वानी मिर्च लगा लियो उसमें और तब बेटे खाना है सुबह शाम खाने से कुछ नहीं होगा पूरी रीजनिंग रगो रगो में दौड़ने लगेगी लेकिन उससे कुछ होगा नहीं बेटे नालायक ये तीसरा वाला जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है वो ऑप्शन चौथे पे है तुम कर रहे हो सी कैसे कर रही है बिटिया सी कैसे कर रहे हो सी हैं गलत उत्तर आंसर कीजिए जल्दी से सारे के सारे समय आप सभी के लिए आंसर करो आंसर कीजिए बेटे आंसर करो मोहसिन खान ये कोई मतलब ऐसी चीजों को समझना चाहिए आते हुए पता सिलेक्शन रुक जाते हैं ऐसे ऐसी चीजों से सिलेक्शन रुकते हैं तुम्हें आए हुए तीन चार क्वेश्चन तुम गलत टिक कर, कर आते हो वहीं पर ही जो है वो सिलेक्शन गलत होता है सर मैं फ्लू में हूं लेकिन फिर भी आपकी क्लास कर रहा हूं अच्छा ले रही हूं फीमेल ओके okay. जितने भी बच्चे हैं कुछ बच्चों को फ्लू है किसी को आई फ्लू है बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो अपना अपना ध्यान रखें प्रॉपर आंख पे ऐसे हाथ नहीं लगाना है उंगली नहीं लगाना है मैंने भी नहीं लगाई है जिसने आंख हाँ पे उंगली लगा ली भाई साहब आपके 90 परसेंट चांस है अगर घर में किसी को फ्लू है तो तुम्हें भी आई फ्लू हो जाएगा आंख पे हाथ नहीं लगाना है बेटा सारे के सारे यहां ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है सभी लड़के छात्र हैं सभी लड़के छात्र हैं सभी लड़के क्या है छात्र हैं आगे आ जाइए सारे के सारे सभी लड़कियां लड़के हैं यह बड़ी विडंबना है सभी लड़कियां लड़के हैं है? तो ये लड़की हो जाएंगी बेटा गर्ल्स कर दे रहा हूं मैं ताकि वो आ जाए अब लिखा है सभी लड़के के छात्र होने की संभावना है बेटा पहले से ही कोई बात अगर सही होती है कोई बात अगर पहले से सही होती है उसे संभावना में क्या माना जाता है गलत माना जाता है क्या माना जाता है गलत माना जाता है ये जो रांजना एक कह रही है ना रांजना भगवान की कसम इतनी तेज गुस्सा आ रही है ना अगर सामने होती ना मैं बता रहा हूं मैं मांझा बेटा छात्र है बाबू सभी लड़के जो अंदर होता है सभी के साथ में होता है वो अंदर जाता है लड़का अंदर गया छात्र बाहर बेटा अब लड़की अंदर गई और लड़का बाहर तो यहां अगर आप देखोगे सभी लड़की के छात्र पहले के ही लड़की छात्र है अगर कोई चीज पहले से ही सही है उसे संभावना में गलत मानोगे कितनी बार बताया है अभी से भी समझाऊंगा सभी छात्र के लड़के होने की यह बात सही है क्यों बेटा छात्र बाहर है ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन सभी छात्र लड़का यह गलत है लेकिन संभावना में सही हो जाएगा यह फ्री इलेक्ट्रॉन लड़के में चले जाएंगे बिल्कुल सही है यह दूसरा सही है ओनली सेकंड कंक्लूजन सही होगा जैसे अगर सपोज करो मेरी शादी हो गई और मैं अपनी वाइफ को गोलगप्पे खिला रहा हूं ऐसे करके मीठे वाले लोग खा लो सूजी वाले अब तुम निकल रहे हो उधर से तुम जा रहे हो साइकिल से जा रहा था अब तुमने मुझे देखा मैंने तुम्हें देखा मुझे तो नहीं पता कौन हो तुम लेकिन तुम नू कहोगे अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं बहुत पिटाई करूंगा तुम्हारी लेकिन क्यों भैया मेरी शादी हो गई मेरी वाइफ है वो तुम उसके सामने ऐसे करोगे गुरु जी लेकिन अगर मेरी शादी नहीं हुई होती और मैं किसी को ऐसे गोलगप्पे खिला रहा होता तुम्हें नहीं पता ना शादी हो गई नहीं शादी हो गई कौन है हो सकता है कोई और समझो कोई और समझो और मैं गोलगप्पे खिला रहा हूं उसे तब तुम कह सकते हो मैं भी आंखें झुका लूंगा मैंने कहा ये भगवान पकड़ लिया इसने समझ रहे हो मेरी बात अगर कोई बात बिल्कुल सही है अब बेटा थप्पा लग गया कि गुरु की वाइफ है तब तुम ऊ नहीं कर सकते तब तुम संभावना नहीं कर सकते संभावना तभी सही करोगे जब बेटे मामला जो है वो थोड़ा डगमगा सा रिया होगा समझो मेरी बात को तुम गोलगप्पे तभी खिलाऊंगा मैं जब बेटे बात सभी को वैसे तो छोड़ो कौन ही खिलाता आजकल को चलो समझो है ना मोरल ऑफ द स्टोरी सभी को समझ में आई होगी आंसर कीजिए सारे के सारे मेरे बच्चों आंसर करो को तुम्हें ऐसे समझाना पड़ता है ऐसे ऐसे समझाना पड़ता है तुम्हें सुनो भाई आपकी दो क्लास आप सभी के लिए हैं पहली मेरे बच्चों एक ये जो शाम को छ बजे रोज चला करेगी ये यूपीएसआई की क्लास है डेली यूपी वो यूपी पुलिस की क्लास है बेटा कांस्टेबल की एक तो ये वाली क्लास और मेरे बच्चों एक दिल्ली पुलिस की क्लास है कौन सी है जो तीन बजे रेगुलर चलती ही है तीन बजे जो रेगुलर चलती है आंसर कीजिए सर कभी मोमो भी खिला दिया करो नहीं बेटा उन्हें मोमो पसंद नहीं है आओ यहां ध्यान से देखो सारे के सारे ओ सच्चाई बोल दी क्या मैंने इधर आओ आर प्लस ए को आर प्लस ए वो आर ए प्लस एफ ई को क्या लिखा जा रहा है दो सौ छियालीस ध्यान से देखो क्वेश्चन बड़ा बहुत प्यारा प्रश्न अब यहां पर ए प्लस ए बी प्लस जे सी को लिखा जा रहा है बेटा एक सौ पंद्रह तो आपको बताना है, ए सी प्लस बी डी को क्या लिखा जाएगा है ना ये आप सभी के लिए तो फिलहाल अगर आप देखोगे यहां आर कितने पर है पर ए कितने पर है एक पर एफ कितने पर है छह पर रियल पोजिशन जोड़ दो काम बन जाएगा बेटा आप सभी सभी के क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं आज ए एक पर है सी तीन पर है बी दो पर है डी चार पर है बेटा चौबीस और तेरह जोड़कर आएगा मेरे बच्चों आप सभी के लिए थर्टी सेवन आंसर हो जाएगा सही बेटा थर्टी सेवन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा थर्टी सेवन क्वेश्चन बड़ा प्यारा था डांगू जी आपका उत्तर गलत है मजेदार प्रश्न था मेरे बच्चों मैं वादा करता हूं तुम लोगों से तुम एक बार क्वेश्चन को देखिए आप यू एक एनालाइज कीजिए कि हाँ क्या बेहतर चीजें हैं और मेरे बच्चों मैं तुम्हें दो प्लस दो कराने नहीं आया हूं मैं तुम लोगों को क्वेश्चन के लेवल दिखाने आया हूं कि हाँ दिस इज द सेशन आप जिससे ग्रोथ करोगे आप छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने एक भी क्वेश्चन अभी सरो का निकला जिसमें संभावना नहीं हो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हुए हैं या नहीं हुए हैं बेटा आप सभी के लिए डाइस के क्वेश्चन लाजवाब हुए या नहीं हुए कोडिंग डिकोडिंग के लाजवाब क्वेश्चन करें नहीं करें तो ऐसे ही हम लोग रोज तीन बजे क्लास होती है उस क्लास में आप सभी को वो बेहतरीन क्लास करनी है सभी के सभी साथ ही करिए भाई क्या आएगा अरे यार तुम लोग बहुत तेजोर हो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा सबका डी आ गया सब आस मेरे बच्चों डी इस प्रश्न का सही भी उत्तर होगा एक और दो हो जाएगा तीन एक और आठ हो जाएगा नौ तीन और दो हो जाएगा पांच बेटा यहां पर पांच आता सात की जगह पांच आता ऑप्शन नंबर डी जो है वो अलग है ऑप्शन नंबर डी जो है वो अलग है चलिए आंसर कीजिए दिस इज़ द बेस्ट वन ऑफ द बेस्टेस्ट क्वेश्चन क्लास इस क्लास का यह सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना जाएगा आप सभी के लिए यहां पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बेटा ये क्वेश्चन यूपीएसआई का क्वेश्चन है आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को दिमाग से खेलना पड़ेगा यह क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन में से एक है एक बार सारे के सारे जरा क्वेश्चन कीजिए आंसर करो आंसर करो पूजा आंसर करो, आंसर आरती करिए आंसर कीजिए बेटा बहुत प्यारा प्रश्न है बस एक बात तो मैं समझ नहीं होगी बेटा ये लिखा है ए सी ये लिखा है ए सी बी का उल्टा हो गया डी बी का उल्टा क्या हो गया डी बेटा बी का उल्टा क्या हो गया बी का उल्टा हो गया डी एक बात बताऊं तुम्हें दो रूल पढ़ाए जाते हैं जिसमें तुम्हें केवल एक यू, यू, यू रूल याद रहता है कि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते बेटा यहां बी और डी दोनों एक साथ नहीं आ सकते ये रूल सबको पता है बी और डी कभी भी एक साथ नहीं आ सकते ये रूल सबको पता है जितने भी बच्चे हैं बेटा जितने भी बच्चे हैं उन्हें यह पता है बी और डी एक साथ नहीं आ सकते सबको पता होता है ये रूल कि अपोजिट लेयर कैन नॉट बी कम टुगेदर बट दूसरा रूल ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो बेटा बी और डी एक साथ नहीं आ सकते लेकिन बी और डी में से किसी एक का आना जरूरी है बी और डी एक साथ नहीं आ सकते लेकिन बी या डी में से किसी एक का आना जरूरी है बी और डी में से किसी एक का आना जरूरी है इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत ये वाला ऑप्शन गलत बेटा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही आएगा कि या तो बी इधर होगा या बी इधर होगा या एफ इधर होगा या एफ लेकिन बी और एफ यहां पर सही आएगा अपोजिट में से किसी एक का आना जरूरी हो सही है बेटा तो बी एफ इसका आंसर सही हो जाएगा सारे के सारे आंसर करिए बेटा कैटरेक्ट आई से संबंधित है तो ज्वाइंटिस्क किससे संबंधित है बेटा ज्वाइंटिस्क किससे संबंधित है आंसर करो ज्वाइंटिस्क आंसर कीजिए आंसर कीजिए सारे के सारे सेशन को लाइक कर दीजिए सभी के सभी साथी अगर मजा आ रहा है तो बेहतरीन तरीके से क्लास को आप इन्जॉय कर रहे हैं सुपर संडे बना देंगे ये वो समय है जो आप बिग बॉस देख लो ये वो समय जो आप रोडीज देख लो ये वो समय है जो आप इंस्टाग्राम पर रील्स देख लीजिए ये वो समय है जो आप व्हाट्सएप पर चैटिंग कर लो लेकिन ये वो भी समय है जिससे आप पढ़कर अपनी जॉब लगा सकते हो अपने माता पिता का खुद का अपने फ्रेंड का सपना पूरा कर सकते हो समझ रहे हो ना इस बात को दोनों भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ किसी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा है वैज्ञानिक क्या विद्वान ने कहा है कि अगर आप अपनी किताबों के माता पिता और गुरु के गुलाम हो गए तो आपको एक दिन बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता मेहनत करनी है वो चीज मेहनत से ही आएगी ठीक है चलिए भाई बाकी तो सिस्टम हो ही रखा है हर जगह सिस्टम सिस्टम हो रहा है बाकी और क्या कर सकते चलिए कैट्रैक्ट बेटा आई की आई में होता है बेटा जब आप ये सबको होती है प्रॉब्लम मतलब जब आप एक अच्छी खासी एज में होते हो तो ये आम प्रॉब्लम है कैट्रैक का मतलब बेटा आंखों में सफेद कलर का जाली सी बन जाती है ब्लैक वाले इस बिंदु पर बेटा रेटिना पर ऊपर कलर की उसे मोतियाबिंद कहा जाता है पीलिया जो होता है बेटा बच्चा लीवर में एक बिलीरुबिन बिलीबर्डिन होता है बेटा बिलीरुबिन बिलीबर्डिन नाम का साथियों आप सभी के लिए बिलीवर बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन एक हरे कलर देता है एक पीला कलर देता है ये ज़्यादा होने से मेरे बच्चों आपका शरीर पीला पड़ जाता है और जब शरीर पीला पड़ जाता है तो इस कारण से बेटा आपके नाखून आपकी आंखें आपका शरीर पीला पड़ने के कारण रुको 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 पांच लोग भी ना बैठा पाओगे क्या केंद्र के अंदर चलो बिठाओ पांच लोग केंद्र की ओर बैठे हैं मुंह करके चलिए बेटा पांच लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं पांच लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं यहां पर केंद्र के अगर मुंह करके बैठे हैं तो दाया इधर बाया ये होगा, दाया ये होगा सभी को समय दे रहा हूं मैं डेढ़ मिनट का दे दू चलो डेढ़ मिनट का समय दे रहा हूं डेढ़ मिनट का तुम्हारे लिए एक मिनट का मेरे लिए मेरे बच्चों निकालिए सारे के सारे निकालो सभी के सभी साथी 600 से ऊपर कर दीजिए एक बार सारे के सारे सही है भाई आंसर कीजिए भाई सारे के सारे पंकज क्वेश्चन प्यारा है ध्यान से देखो एक मिनट मैं लूंगा बोला हुआ है के एस और एम के ठीक बगल में है और एस यू के बगल में नहीं है एन एम के बगल में नहीं है और के और एन के बीच में कौन बैठा है इजीएस्ट क्वेश्चन है बेटा इजीएस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे बोला हुआ है के जो है वो एस और एम के बगल में है बेटा एस और एम के बगल में है अब ध्यान से देखो एस यू के बगल में नहीं है और एम के बगल में एन नहीं है एम के बगल में अगर एन नहीं है तो सपोज एम को अगर मैं इधर रख रहा हूं तो एन को यहां नहीं रख पाऊंगा तो यहां आ गया बेटा आगे आ जाइए अरे यार सीधी सी बात है तुम कहीं भी रखोगे ना एस को यहां रख लो सभी के सभी साथी एम को यहां रख लो और मेरे बच्चों यहां पर एक ना एक जगह आपको रखना ही पड़ेगा बेटा सारे के सारे मेरे बा... भाई एन जो है वो एम के बगल में नहीं है एस यू के बगल में नहीं है तो यू यहां आ गया अब बोला हुआ क्या है सारे के सारे सभी के सभी साथी के और एन के बीच में कौन है तो के और एन के बीच में एस आ जाएगा क्या आ जाएगा बेटा एस आ जाएगा क्या आ जाएगा मेरे बच्चों एस आ जाएगा के और एन के बीच में के और एन के बीच में ऐसा आ जाएगा ये तीस सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था वर्गों की संख्या निकालिए चलिए जल्दी से सारे के सारे वर्गों की संख्या निकाल दीजिए सभी के सभी साथी थर्टी सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन निकालिए ऐसा आ जाएगा कहीं भी इससे इजी क्वेश्चन था लेकिन तुम्हें डराया जाता है तुम्हें बताया जाता है कि हाँ क्वेश्चन हैं ऐसे आंसर कीजिए भाई जल्दी से हाउ मेनी टोटल स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर अंत तक बने रहना सभी के सभी साथी ये क्लास हर एक एग्जाम के लिए चाहे दिल्ली पुलिस चाहे यूपी पुलिस चाहे एम टी एस चाहे सी आई एस एफ चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप सभी के लिए क्लास बहुत जरूरी है समय समाप्ति की घोषणा होती है घंटा बच जाएगा एक प्लस में कुल कितने होते हैं एक प्लस में वर्ग होते हैं बेटा अभी मैं आपको बता रहा था एक प्लस में जो वर्ग होते हैं एक प्लस में वर्ग होते हैं पाँच एक दो तीन चार पाँच मेरे बच्चों एक प्लस में पांच वर्ग होते हैं तो इसमें कितने आ गए पांच इसमें कितने आ गए पांच इसमें कितने आ गए पांच बेटा एक ही है वर्ग इसमें कभी आप सोचो ये दो है वो आयत दो हैं वर्ग एक आएगा बेटा आगे आ जाइए इसमें कुल कितने वर्ग हैं बोलो गुरुजी इसमें वर्ग भी पांच होंगे इस वाले प्लस में भी तो पांच वर्ग होंगे बेटा पांच आ गए एक वर्ग ये एक्स्ट्रा एक वर्ग ये एक्स्ट्रा और एक पूरा ये वाला ऊपर वाला एक्स्ट्रा तो टोटल जो आएगा टोटल जो आएगा पाँच चौबीस और, और साथियों आप सभी के लिए चार चौबीस बेटा पाँच चौबीस और, और चार चौबीस चौबीस ही आ रहा है बस आंसर बेटा चौबीस इसका आंसर सही होगा पच्चीस वालों एक बार फिर से चेक कर लेते हैं अच्छा हाँ पच्चीस आएगा बेटा पच्चीस आएगा क्योंकि एक ही वाला भी बनेगा ना एक ही वाला नहीं गिना था तो टो, टोटल टो, 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 पच्चीस इसका आंसर सही आएगा पच्चीस विल विद वेरी परफेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन पच्चीस इसका आंसर सही आएगा क्वेश्चन प्यारा है निकालिए पच्चीस इसका आंसर सही हो जाएगा ट्वेंटी फाइव बिल बिधर परफेक्ट उत्तर निकाली भाई क्वेश्चन लिखा है क्या हमें ओजोन परत का ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल सही बात है कायदे में बनना बेटा परावैग्निक किरणें आ जाएंगी ऊपर से हाँ यह हमें परावैग्निक किरणों से बचाती है हाँ इससे कोई नुकसान नहीं है नहीं इससे कोई नुकसान नहीं है एक बार बताऊ अगर इससे नुकसान ना होता ना तो मेरे बच्चों अभी तक हम पढ़ नहीं रहे होते ये गलत है दूसरा सही है हां ओजोन परत का ध्यान रखना चाहिए बेटा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे बच्चों पहला सही होगा एक बार बताऊं तुम्हें तो ओजोन परत के बारे में ओजोन परत के बारे में एक बार बताऊं ओजोन परत की एक खास बात है तुम लोगों ने अभी तक गलत पढ़ा है ओजोन परत में छिद्र होना यह बहुत बड़ी बात है तुम लोगों ने यह चीज पढ़ी ओजोन परत में छेद हो गया नहीं बेटा ओजोन परत की एक मोटाई होती है ओजोन परत की मोटाई होती है सपोज ये पंद्रह किलोमीटर है इसकी ओजोन परत की मोटाई अब क्या हुआ कुछ जो जैसे अभी हमारे यहाँ भारत के यहाँ हो रहा है ना भारत में कि हम इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रहे हैं इस वजह से क्या हो रहा है बेटा हमारा पॉल्यूशन लेवल ज्यादा हो रहा है और पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो हमारे जो बादल हैं ऊपर जाकर बेटा एक लेयर बन जा रही है पॉल्यूशन की जो इसको हार्म पहुंचा रहा है अब इसकी जो चौड़ाई है इसकी चौड़ाई बेटा छेद नहीं हो रहा है छेद हो गया काम खराब हो जाएगा बेटा इसकी जो चौड़ाई है उसमें जो है कमी हो जा रही है क्या हो जा रही है मेरे बच्चों कमी पंद्रह से ये बच गई बेटा सात किलोमीटर अब ये जो करने हैं वो छन छन के नीचे आती हैं वही रीजन है बेटा जिस कारण हमने पढ़ा छेद नहीं बेटा छेद नहीं इसके छ हम लोगों ने छेद और छह छे में छे। ये तुमने पढ़ा होगा हो रहा है बेटा छह का मतलब छ ऐसे भी लिखा हुआ है छह छह मतलब कमी होना ध्यान रखना इस बात का ठीक है बच्चों चलिए आगे आ जाइए सारे के सारे समझ रहे हो इस बात को चलिए यहां पर क्वेश्चन प्यारा है निकालिए जरा भाई ये लिखा है एक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है साथियों आपका शटभुज सिंगर ट्राइंगल और गिटारिस्ट आपका सभी के सभी साथी गुलाबी आखे ये आंसर बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल आंसर कीजिए आंसर करो सम, भाई एक बार सारे के सारे सेशन को शेयर करेंगे आंसर कीजिए आंसर कीजिए भाई मैं भी उन्हें बहुत याद करता हूं रवि कन्नौजिया जी भगवान की कसम ऐसा बहुत कम दिन जाता है जो मैं अपने दोस्तों को याद नहीं करता हूं बस ये है कि दिल से संबंध ज़्यादा होना चाहिए दिल दिल में बातें हो जाती हैं अब क्या ही करें कभी बाबू पूरे दिन पढ़ाने वाला हो जाता है ना आप सभी के लिए तो आप लोग ही मैसेज पहुंचाते हो यू आर लाइक like अ मैसेंजर है ना रवि कन्नौजिया जी तो बहुत ज़्यादा याद आती है उधर भी शायद इधर भी होता है ये ध्यान से देखिए केवल लिखा हुआ है बेटा केवल अब केवल लिखा हुआ है केवल, गायक, केवल, गायक मतलब केवल सर्कल वाले तो गिटार वाले हैं सर्कल वाले ये काउंट नहीं होंगे ध्यान रखना हाँ भाई ये भी काउंट नहीं होंगे क्योंकि एक्टर में आ गया छे इसका आंसर सही होगा सिक्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिक्स देखो 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 इन्हें बूंदे मान जाओ भाई मान जाओ ये केवल केवल गिटार वाले आठ बता रहे हो तुम ये कौन है मुस्कान की मित्र मान जा मान जा चलो आंसर कीजिए ओ का एम से क्या संबंध होगा वो हाउ इज ओ रिलेटेड विद एम आंसर कीजिए भाई सारे के सारे आंसर कीजिए आंसर कीजिए भाई सभी के सभी साथी आंसर करो आंसर करो आंसर कीजिए भाई सारे के सारे आंसर कीजिए आंसर कीजिए भाई प्यारा प्रश्न ध्यान से देखिए स्क्वायर में चौबीस ही था अभी बताता हूं चौबीस ही था इधर आ जाओ बेटे भैया एम का ओ से संबंध बताना है तो एम स्टार o, N का मतलब है एम जो है वो एन की बहन है एन प्लस ओ का मतलब है एन प्लस ओ का मतलब है एन जो है वो ओ का पिता है बेटा ओ माइनस पी का मतलब है ओ माइनस पी का मतलब है ओ पी की अम्मा है ओ पी की मम्मी है मदर इंडिया बेटे तो यहां पर जो आएगा आंसर मेरे बच्चों बोला है ओ का एम से क्या संबंध है मेरे बच्चों भतीजी होगी भतीजी भतीजी होगी और भतीजी जो होता है बेटा भाई सीधी सी बात है इनके भाई की लड़की भतीजी कहलाएगी भतीजी को इंग्लिश में नीस कहते हैं क्या कहते हैं नीस मेरे बच्चों और भतीजों को कहते हैं बेटा नेफ्यू क्या कहते हैं नेफ्यू आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी सारे के सारे एक मिनट रुको जरा ये लड़का था या लड़की थी एक मिनट रुकना जरा यहां पर माइनस था ना माइनस का मतलब भतीजी आंसर सही होगा बेटा भतीजी भतीजी इसका आंसर सही होगा सही है भतीजी कहलाएगी भतीजी सही है भाई भतीजी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा आंसर कीजिए लुप्त पद का चयन करना है हाँ भाई क्या हो रहा है बोलो गुरुजी ये हो रहा है कि अगर आप देखोगे मेरे बच्चों यहां पर क्या हो रहा है माइनस का वन हो रहा है आगे आइए दस से गुणा हो रही है बेटा और एक जोड़ दिया जा रहा है फिर माइनस का वन हो रहा है तो यहां दस से गुणा होगी मेरे बच्चों और एक जोड़ा जाएगा तो दस से अरे यार सीधी सी बात है छ सौ एक आएगा छ सौ एक आएगा छ सौ एक बेटा छ सौ एक फिर एक कम हो रहा है ध्यान से देखो फिर दस से गुणा हो रही है और एक जोड़ दिया जा रहा है छह सौ एक इसका आंसर सही होगा सीपीओ का क्वेश्चन है बेटा सीपीओ का चलिए क्वेश्चन बहुत प्यारा लेकिन थोड़ा सा अच्छा भी है मतलब दिमाग लगाने योग्य क्वेश्चन है बेटा ये जब आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे ना

उसके कॉलेज में जाकर लेगा कोर्ट में लेगा थाने पर बुलाकर लेगा या उसके घर जाकर उसके माता पिता आदि की उपस्थिति में यथासंभव महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा उसका बयान लिया जाएगा आंसर कीजिए भाई, भाई। कायदा भी यही कहता है अगर किसी के साथ में गलत हो रहा है महिला के साथ में बेटा एक बिटिया के साथ में तो उसके माँ बाप आदि की स्थिति में या उसके रिलेटिव्स की स्थिति उपस्थिति में एक महिला पुलिस कर्मचारी उससे पूछताछ करेगी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी ये क्वेश्चन अधिकतर किस में आते हैं ये क्वेश्चन अधिकतर आते हैं यूपी पुलिस में ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में जरूर आते हैं सभी के सभी साथी आंसर कीजिए फिर से आ गया इनिक्वालिटी का क्वेश्चन सबसे पहले रास्ते जा भी दू मेरे बच्चों रास्ते देखने रास्ते बन पा रहे हैं या नहीं ऐसे क्वेश्चन में रास्ते अच्छा एच से ओ तक जाना है बेटा एच से आई गए पी गए पी के आगे मुंह बंद है पी के आगे क्या है बेटा गलत है, पी के आगे रास्ता ही नहीं मन पा रहा अगर पी के आगे रास्ता ही नहीं बन पा तो पहला बेटा एल से टी गए टी से हो रास्ते बन गए अगर रास्ते बन गए तो मेरे ये तीन साइन होते हैं पहला होता है प्राइम मिनिस्टर दूसरा होता है चीफ मिनिस्टर तीसरी होती है पब्लिक बेटा पी बड़ा होता है सीएम या पब्लिक एक बार बताऊं स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर जब दूसरे देश के लोग आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर उनके साथ में रहते हैं और चीफ मिनिस्टर लाइन से खड़े रहते हैं समझ रहे हो चीफ मिनिस्टर और उनके समकक्ष जितने भी चौतीस पैंतीस लोग होते हैं लाइन से खड़े रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक होता है सबसे बड़ी पावर प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर राष्ट्रपति होती है मानता हूं लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से यहां पीएमसीएम पब्लिक में प्राइम मिनिस्टर ज्यादा है है तो ये आंसर सही है। एल से टी जाने का मतलब दो साइन मिल रहे हैं आपको ये पहले नंबर का और दूसरे नंबर का तुम लोगे पहले नंबर का दूसरा सही हो गया तो मुझे लगता है ये सभी को समझ में आया होगा बेटा ऐसे क्वेश्चन तुम्हें तीन बजे वाली क्लास में जरूर दिखेंगे जितने भी बच्चे इन क्वेश्चन से डरते हैं ये तीन बजे मैं रोज क्लास लेता हूं दिल्ली पुलिस की अगर सेशन में मजा आ रहा हो तो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए तीन बजे और छह बजे रोज मिलोगे वादा करो सारे के सारे रोज दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में मिलोगे वादा करो सभी के सभी साथी एक बार सारे के सारे छह सौ से ऊपर लेकर चलो भाइयों वादा करता हूं बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के लेवल होंगे यहां ध्यान से देखिए छात्र शिक्षक इंजीनियर पुलिस अकाउंटेंट एक बार बताऊं तुम लोगों को बेटा शिक्षक एक प्रोफेशन है इंजीनियर एक प्रोफेशन है पुलिस एक प्रोफेशन है अकाउंटेंट एक प्रोफेशन है लेकिन छात्र एक प्रोफेशन नहीं है छात्र मेरे बच्चों एक प्रोफेशन नहीं है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए चलिए निकालिए अगला क्वेश्चन मदन मदन के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मदन की बेटी से क्या संबंध होगा उसका क्वेश्चन बड़ा प्यारा है ऐसे क्वेश्चन में कॉपी पेन को साइड में रख दिया जाता है कन्नौजिया जी, जी और यहां देखो मदन के पिता का इकलौता बेटा मदन ही होगा अरे मदन के इकलौते मदन के पिता का इकलौता बेटा मदन होगा इसकी बहू इसकी मेहरारू इसकी जानू मतलब मदन की बहू कहलाएगी सीधी सी बात है वाइफ कहलाएगी अब मदन की बेटी से क्या संबंध होगा बेटा पत्नी का मदन की बेटी बाबू मेरी पत्नी मेरी बेटी की मम्मी लगेंगी क्या लगेंगी मदर इंडिया लगेंगी क्या लगेंगी मम्मी लगेंगी क्या लगेंगी मेरी पत्नी मेरी बेटी की माँ लगेगी माँ है ना क्या लगेगी बेटा मां। मेरी प्यारी मम्मा एक बार सारे के सारे से ऊपर कर दो और ये बहुत प्यारी सी लाइन लिखी हुई है बहुत प्यारी सी हालांकि इंग्लिश में लिखी है मैं पढ़ के सुना देता हूं मुझे भी नहीं आती तुम्हारी तरह मैं भी इंग्लिश मीडियम का हूं इफ यू वॉन्ट टू फ्लाई गिव अप एवरीथिंग दैट्स वेट्स यू डाउन मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई भी चीज आप सभी को उड़ने में दिक्कत दे रही है तो मेरे बच्चों से आप गिरा दीजिए अगर आप उड़ना चाहते हो तो उन चीजों को गिरा दो जो तुम्हें रोक रहे हैं उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं बिल्कुल अभी समय है तुम लोगों का उड़ने का और उड़ जाओगे तो दुनिया को साथ लेकर चले जाओगे और अगर रुक गए तो भाइयों वहीं रुके रहोगे आंसर कीजिए भाई सारे के सारे क्वेश्चन प्यारा है ऊट बछड़ा खरगोश किससे संबंधित होगा बेटा आंसर कीजिए भाई खरगोश किससे संबंधित होगा खरगोश आंसर कीजिए बड़ा प्यारा प्रश्न है मैंने कहा दिया मारकर ये है जरा देखना बेटा ये क्या लिखा हुआ है बेटा ऊट बछड़ा ऊट का क्या होता है बछड़ा होता है बेटा और रैबिट का क्या होता है जॉय सबसे पहले जॉय बता दू तुम्हें क्या होगा बेटा सभी के सभी साथियों से कहूंगा अरे फ्राई होता है ये बेटा फ्राई बोलते हैं मछली के बच्चे को फ्राई कहते हैं शॉर्ट मेरे बच्चों और किट किट आप सभी के लिए ध्यान रखना सारे के सारे मेरे बच्चों फ्राई शॉर्ट और किट का इसका आपको सभी को बताना है आंसर जल्दी से सारे के सारे आंसर कीजिए भैया सारे के सारे आंसर कीजिए आंसर करो आंसर कीजिए भाई सारे के सारे आंसर कीजिए भाई चलो यहां ध्यान से देखिए सबसे पहले बेटा यहाँ ये यह होता है बाबू आपका मछली का बच्चा मछली 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 का छोटा रूप ठीक है मछली का बेबी बेबी मछली का बेबी बेटे जो आपको देखने को मिल रहा है ये है ठीक है जॉय आप सभी के लिए होता है अगर आप देखोगे मेरे बच्चों जोए आप सभी के लिए होता है बेटा सारे के सारे कंगारू का बच्चा किसका मेरे बच्चों कंगारू का बच्चा ये है कंगारू का बच्चा कंगारू का बच्चा क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा पूछा गया यूपीएसआई में कंगारू देखो अंदर रख लेता है और शॉर्ट होता है मेरे बच्चों आप सभी के लिए आप जैसे बकरी के बच्चे को कह सकते हो या भेड़ के बच्चे को कह सकते हो भेड़ के बच्चे को कहते हैं शॉर्ट क्या कहते हैं भेड़ का बच्चा और अगर आप देखोगे किट ये बड़ा प्यारा सा देखो रैबिट जो है ना बेटा रैबिट का बच्चा ये बड़ा प्यारा सा लग रहा है बेटा यह होता है रैबिट का बच्चा रैबिट का बच्चा क्या कहलाता कहला कहला है किट का लिखा हुआ भी है पांच दिसंबर 2022 का शिफ्ट टू का सीजीएल टीयर फर्स्ट का पेपर है आंसर कीजिए क्वेश्चन है आंसर करो भाई सारे के सारे आंसर कीजिए बेटा एक बार सारे के सारे यार क्वेश्चन का जरा लेवल चेक कर लो देखो मैं फिर से कह रहा हूं दो के नीचे का कोई भी क्वेश्चन नहीं है कोई भी क्वेश्चन नहीं है भाई सारे के सारे आंसर कीजिए भाई सारे के सारे के निकालिए भाई जल्दी से सभी के सभी साथी सर कंगारू कौन सा है अबे दूसरा वाला कंगारू है हद गई आंसर कीजिए भाई सारे के सारे आंसर करो आंसर कीजिए भाई बहुत प्यारा प्रश्न दिमाग लगाओगे तभी हो पाएगा वरना ना हो पाएगा बेटे यहां पर लिखा हुआ है किसी सांकेतिक भाषा में एस टी ए आर को स्टार को लिखा जाता है बयानवे सिक्स सेवन एट उसी भाषा में बेटा फ्लैट एफ एल फ्लैग को लिखा जाता है बीस छब्बीस पंद्रह इक्कीस उसी सांकेतिक भाषा में बेटा लोगों को क्या लिखा जाएगा लोगों को फिलहाल मैं तुम्हें तो बता दूं जब दुनिया में कुछ समझ में ना आए ना तो क्रॉस में चेक कर लेते हैं बेटा क्रॉस में तुहरा तो काम बन जाएगा तो हर काम बन जाएगा आर का, का उल्टा होता है आई और आई की पोजीशन है नौ ए का उल्टा होता है जेड और जेड की पोजीशन है बेटा छब्बीस टी का उल्टा होता है जी और जी का पोजीशन है सात एस का उल्टा होता है एच एच की पोजीशन है बेटा आठ समझ में आ रहा है भाई जी टी का उल्टा होता है जी बेटा टी कितने पर आ गया बीस पर ए का उल्टा होता है जेड कितने पर आ गया छब्बीस पर एल का उल्टा ओ ओ कितने पर आ गया पंद्रह पर एफ का उल्टा मेरे बच्चों जी जी कितने पर आ गया इक्कीस पर ओ का उल्टा एल जाएगा एल का उल्टा ओ जाएगा ओ जाएगा मेरे बच्चों तो एल लंच कितने बजे होता है बारह बजे जी का उल्टा टी होता है बेटा टी ट्वेंटी मैच आ गया एल का उल्टा ओ होगा तो एल कितने पर बारह पर आ गया और एल का उल्टा ओ कितने पर आ गया पंद्रह पर मतलब बारह पंद्रह लास्ट में आएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्ट उत्तर दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दो हजार बाईस का ये दिसंबर दो हजार बाईस का क्वेश्चन है आंसर कीजिए कोलांक मानसरोवर और आपको बताना है भारत ये आप सभी को बताना है इसका वेन डायग्राम चूज करना है निकालिए मेरे बच्चों सारे के सारे कोर्णांक मानसरोवर और भारत व्हाट विल बी डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन आंसर कीजिए आंसर कीजिए मेरे बच्चों आंसर कीजिए ध्यान से देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं ए बेटा चार ऑप्शन है ऑप्शन आएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर क्यों यहां देखो कोणांक इज इन in इंडिया कोणांक सूर्य टेम्पल सन टेम्पल मेरे बच्चों उड़ीसा में है कोणांक कहा उड़ीसा में है सूर्य मंदिर सूर्य मंदिर बेटा ध्यान रखना उड़ीसा में है कहा है? मेरे बच्चों उड़ीसा में है ध्यान कोणांक सूर्य, सूर्य मंदिर सन टेम्पल जिसे कहते हैं लेकिन कैलाश मानसरोवर इज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया कैलाश मानसरोवर इंडिया का हिस्सा नहीं है ध्यान रखना कैलाश मानसरोवर इंडिया का हिस्सा नहीं है और कोणांक भी इंडिया का हिस्सा नहीं है यहां हो जाएगा आप सभी के लिए ये हो जाएगा कोड़ांक मेरे बच्चों ये इंडिया हो जाएगा और ये कैलाश मानसरोवर आंसर डी ठीक आएगा ऑप्शन नंबर डी बिल बी द परफेक्ट उत्तर कोणांक भारत में है इस बात का ध्यान रखना सारे के सारे ठीक है बच्चों अगला प्रश्न त्रिभुज की कुल संख्याएं निकालनी है हमारी टोटल ट्राइंगल बिल बीन एन दिन फिगर सारे के सारे भाई आंसर कीजिए आंसर कीजिए भाई जल्दी से सभी के सभी सारे आंसर कीजिए भाई सारे के सारे आंसर कीजिए आंसर कीजिए भाई सभी के सभी सारे आंसर कीजिए आंसर करो अच्छा क्वेश्चन निकालिए भाई गुड इवनिंग जय हिंद आंसर कीजिए हाउ मेनी टोटल विल बी देयर इन द दे गिवन फिगर त्रिभुजों की कुल संख्या आप सभी के सभी भाइयों को निकालनी है आंसर कीजिए भाई सारे के सारे के एक बार सभी के सभी साथी शेयर करेंगे आंसर कीजिए मेरे बच्चों जल्दी से ना पूछ मेरी मंजिल कहां है अभी तो सफर का इरादा किया है ना हारूंगा हौसला ये किसी और से नहीं खुद से यह वादा किया है खुद से यह वादा किया है आंसर कीजिए विकास ध्यान से देखो बेटे अगर मैं तुमसे कहूं इस वाले पॉइंट से मेरे बच्चों इस वाले पॉइंट से इस वाली लाइन पर कुल तीन त्रिभुज बनेंगे बोलो हाँ या ना यार, एक इधर वाला एक इधर वाला एक पूरा बड़ा वाला सेम कंडीशन इस वाले पॉइंट से इस वाली लाइन पर भी तीन त्रिभुज बनेंगे बोलो हाँ या ना एक इधर एक इधर एक इधर पूरा बड़ा एक त्रिभुज ये हो गया एक त्रिभुज ये हो गया एक ये छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला या ना या ना इतना सबको समझ में आ गया बेटे तो यहाँ से आए तीन तीन छीन नौ और तीन, एक दस यहाँ से जो त्रिभुज आए बेटा वो पूरे त्रिभुज आए इधर वाले पार्ट से आए दस त्रिभुज कितने आए मेरे बच्चों इधर वाले पार्ट से आए दस त्रिभुज आगे आ जाइए यहाँ से अगर मैं बोलूँ इस वाले पार्ट से कितने त्रिभुज आएंगे इस वाले पार्ट से आएंगे तीन त्रिभुज बेटा ये एक इधर वाला एक इधर वाला और एक पूरा बड़ा वाला सेम कंडीशन नीचे वाला अप्लाई होगा सेम कंडीशन नीचे वाला कि एक आपका पूरा ये बड़ा वाला एक पूरा बड़ा वाला ये और एक पूरा बड़ा वाला ये तो तीन ही यहां से आ गए बेटा टोटल तीन और तीन छ यहां से आए कितने आए मेरे बच्चों टोटल तीन और तीन छ

जितने भी भाई हैं मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा नहीं तुम लोगों के बीस मिनट और ले रहा हूं बीस मिनट दे दो तुम अपने सभी के सभी साथी मैं वादा करता हूं तुम लोगों के लिए यादगार सेशन है ये ये क्वेश्चन इतने बेहतरीन हैं इतने बेहतरीन है बेटा आपको मैं बता दूं मैं ऐसे ही क्वेश्चन दोपहर में तीन बजे दिल्ली पुलिस की क्लास में कराता हूं और ऐसे ही क्वेश्चन छह बजे मेरे बच्चों यूपी वाली क्लास में कराऊंगा यूपीपी की क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल की क्लास बेटा शाम छह बजे से होगी और 9 बजे से एसएससी एमटीएस की क्लास होगी एसएससी एमटीएस की क्लास होगी एक बात बताऊं छोटी सी ये तीन बजे वाली क्लास उठकर 9 बजे जाएगी कुछ दिनों में जब तुम्हारा दिल्ली पुलिस का पेपर सितंबर से आगा स्टार्ट हो जाएगा तो ये तीन बजे वाली क्लास 9 बजे से हो जाएगी इस बात की मैं आप सभी से गारंटी देता हूं तीन बजे वाली क्लास 9 बजे हो जाएगी मेहनत करिए अच्छे से बस लगे रहना ये तीनों में से आप सभी के सभी साथी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है तीन बजे वाली और छह बजे वाली आप सभी के लिए यूपी पुलिस की बेटा यहां एस एस की क्लास होगी नौ बजे चलिए ध्यान से देखिए हुआ क्या है oh, oh, सबका गलत है शर्म तुम्हें आएगी नहीं तुमने क्या किया अरे यो पैतीस का वर्ग है मुस्कान के मित्रों ये पैंतीस का वर्ग है पैंतीस का वर्ग है पैंतीस का वर्ग है कैसे हो रहा है पैंतीस का वर्ग सात पंजे पैंतीस हो रहा है नलायको किसी भी संख्या के लास्ट में पांच होता है तो उसका तकनीक होती है कि पांच का तो वर्ग कर दो पच्चीस और इससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए तीन चौ बारह तीन चौ बारह यही कंडीशन यहां हो रही है कि बाबू इनकी मल्टीप्लाई करोगे बारह और बारह का वर्ग सीधे उठाकर करोगे एक सौ चौवालीस जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्न, सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये जितने भी हैं ना ये ये जितने भी हैं ऑप्शन नंबर ए करने वाले दो वालों मैं बता रहा हूं तुम्हारा ब्याह ना हो पाएगा जिससे चाहते हो वैसे तो होगा वैसे तो होगा जब आए हो इस गोले पे ब्याह तो हो जाएगा माँ बाप की मर्जी से हो जाएगा कोई बात नहीं लेकिन सुखी सुख जीवन तभी होता है ना जब दोनों की सम्मति हो समझो आजकल ऐसी ऐसी चीजें चल रही है मैं क्या बताऊं मैं बता रहा हूं गवर्नमेंट जॉब लग गई तो बेटा बहुत भला हो जाएगा नहीं लगी तो बेटा फिर समझो सारे के सारे बेटा फिर तो वही वाली बात है जब खाना खत्म हो जाता है तो गिना चुना चीज है ना, खाना वाली सारे के सारे बेटे, बेटा सा आंसर करो सारे सारे जल्दी से सभी के सभी दिनेश गुज्जर समझ पा रहे मेरी बात को आप सभी के लिए मिच्योरिटी का यहां प्रतिबिंब बताना है क्या होगा मिच्योरिटी का सभी के सभी साथी रत्नेश राजा बेटा ये रुक जा भी मैं तुझे बता रहा हूं रत्नेश अभी रुक जा मुस्कान के मित्र तो रुक जा रुक जा तुझे मैं उस, उस गलत क्लास में आ गया बेटा रत्नेश राजा तू अभी रुक जा, बेटा रुक जा रुक जा आ जाओ बेटा पहले इस क्वेश्चन को करेंगे फिर रत्नेश को करेंगे अभी रुक जाओ रत्नेश को भी देखना पड़ेगा बेटा आई लव यू कह रहे हैं अभी बताता हूं तुझे रुक जा भी रुक जा मिच्योरिटी बाबू इसमें दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब का कैसे अगर ये प्रतिबिंब रेखा खड़ी है तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा अगर ये प्रतिबिंब रेखा लेटी हुई होती तो जल प्रतिबिंब बनता ध्यान रखना जल नीचे होता है तो यहां बाई का अगर आप प्रतिबिंब रेखा देखोगे प्रतिबिंब देखोगे तो वाई कुछ ऐसे बनेगा बेटा यहां पर वाई गलत दिया हुआ ये ये वाई गलत दिया हुआ मेरे बच्चों आगे आइए स्पेलिंग चेक कर लो आर आर का प्रतिबिंब मेरे बच्चों आर का प्रतिबिंब कुछ ये होता है यहां आर का प्रतिबिंब गलत बना हुआ ऑप्शन नंबर बी ठीक है ऑप्शन नंबर बी ठीक है ऑप्शन नंबर बी ठीक है ठीक है, है बच्चों सभी के सभी साथी अब यहां पर अगर मैं बोलूं यहां पर जैसे ये रत्नेश है बेटा बेटा ये रत्नेश रत्नेश है है कौन मेरे बच्चों ये रत्नेश है सपोज दैट ये रत्नेश है मेरे बच्चों रत्नेश के बाल जो है, है बेटा उसे करंट लग गया है अब रत्नेश जो है मेरे बच्चों ये करंट लग गया इसे जैसे ही अपने आप को शीशे में देखेगा ना कहा देखेगा रत्नेश अपने आप को शीशे में देखेगा जैसे ही अपने आप को शीशे में दिखाई देगा ना तो बेटा कैसे एक हाथ में इसके फोन है एक हाथ में फोन है और एक ही कान है इसका अब जैसे ही अपने आप को शीशे में देखेगा तो बेटा शीशे में पता है क्या होगा इसके साथ इसके साथ में शीशे में होगा जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगा और जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा बेटा मैं समझ पा रहा हूँ रत्नेश थोड़ा सा मतलब मुंह इधर उधर बन गया हो तो कोई बात नहीं बेटा सारे के सारे ध्यान से देखो मेरे बच्चों सभी के सभी साथी रत्नेश कुछ ऐसे आएंगे ध्यान रखना सारे सारे के बेटा ये जो हाथ लेफ्ट में में है वो राइट में आ जाएगा और जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा ओ सॉरी ये डांस कर रहा था तो मैं भी डांस कराऊंगा इसे जब ये डांस कर रहा था मैं भी डांस कराऊंगा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो ये बोला कैसे मेरी क्लास में चलिए यहां पर एक कान रह गया बेटा एक कान इधर आ जाएगा दर्पण प्रतिबिंब का ऐसा हो जाता है नीलम ऐसा हो जाता है कि लेफ्ट का राइट देखो बेटा ये जो है ना ये नीलम लेफ्ट में था इसका कान कहां पहुंच गया बेटा राइट में पहुंच गया और इसका जो हाथ था वो आपका मोबाइल फोन लेफ्ट में था राइट में पहुंच गया तो जल प्रतिबिंब और वो दर्पण प्रतिबिंब की खासियत होती है कि जो है लेफ्ट का राइट हो जाता है राइट का लेफ्ट ए से लेकर जेड तक ए से लेकर जेड तक कुल कितने लेटर होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब सेम होता है तो टोटल ग्यारह लेटर होते हैं ए है मोटू ए है मोटू V W X Y X Y टोटल ग्यारह लेटर होते हैं बेटा टोटल ग्यारह लेटर होते हैं विच हैव सेम मिरर इमेज इन इंग्लिश अल्फाबेट सबसे पहले रत्नेश जी मैं तुम लोग तुम्हें एक बात बताता हूं इस बात का ध्यान से सुनो रत्नेश राजा जी ध्यान रखना अगर तुम एक स्त्री की इज्जत नहीं कर सकते तो जिंदगी में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा पहली बात और इसे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक समझने की गलती मत करना इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक समझने की गलती मत करना ये सरस्वती माँ समक्ष देख रही है और अगर तुम एक स्त्री की इज्जत इस नहीं कर सकते तो सरस्वती माँ तुम्हें क्या देंगी सोचो तैयारी करने आयो माना अबे इसे कोई मैसेंजर बना रखा है क्या आई लव यू या बीमारी है चलते चलते आई लव यू ओह आई लव यू ओह चलते चलते कान पे एक मारेगा कोई नालायक चलो आओ आगे आंसर करो कैसे कैसे लोग हैं पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं आंसर करो जल्दी से सारे के सारे आंसर कीजिए आंसर करो भाई सभी के सभी साथी पढ़ने वाले बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं इनके चक्कर में आंसर कीजिए भाई सभी के सभी साथी रागनी जी आंसर कीजिए ज्योति जी आंसर कीजिए दीनानाथ, दयानाथ आंसर करो प्रिया बेटा आंसर कीजिए। आंसर करो गौतम। ध्यान से देखिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा है भाई 12 नौ दो हजार उन्नीस सौ निन्यानवे बारह नौ उन्नीस सौ को मंडे है क्या है मेरे बच्चों मंडे तो आपको बताना है 12 यार मेरे क्वेश्चंस में कमी हो ना तो तुम मुझसे सीधे सीधे बोलो गुरु क्वेश्चंस में कमी है मजा नहीं आ रहा भाइयों मैं तुम्हें इतना कह सकता हूं मैं क्वेश्चन के लेवल उस हिसाब से एक एक क्वेश्चन डिजाइन करके लेकर आया हूं लेकिन मैं जिंदगी में चाहता हूं कि तुम लोग मेहनत करो बेटा सफलता तुम्हारे नाम भी आएगी थकान के दिन है माना अगर आज एक एक दिन दिन सुकून भरी शाम जरूर आएगी देखिए बारह नौ उन्नीस सौ निन्यानवे को मंडे है तो यहां देखो कितने दिनों का अंतर है जीरो महीनों का अंतर कितना है जीरो साल कितने हो रहे हैं चेंज चार और इनमें एक लीप ईयर आ रहा है जो दो है टोटल पांच ऐड हो जाएगा यहां पर मंडे में अगर आप पांच ऐड करोगे तो आंसर आएगा बेटा आपका सैटरडे 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 आंसर क्या होगा मेरे बच्चों सैटरडे इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ठीक है भाई सैटरडे इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ठीक है बच्चों अच्छा क्वेश्चन था मजा आ गया आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन भगवान की कसम माता रानी की कसम ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिल्ली पुलिस

मैं कैलेंडर दिल्ली यूपी पुलिस वाली क्लास में कराऊंगा तुम्हें तो तो तुम छह बजे वाली क्लास में जो नई क्लास स्टार्ट हुई है उसमें आना चाय बना दो आंसर कीजिए भाई सारे के सारे यहां पर अगर आप देखोगे बेटा इसमें टोटल कितने हैं मेरे बच्चों इसमें टोटल है पांच इसमें कितने हैं तीन इसमें कितने हैं चार इसमें कितने हैं तीन इसमें कितने हैं चार इसमें कितने हैं दो इसमें कितने हैं तीन इसमें कितने हैं दो मतलब हुआ क्या है आप अगर इस बात को देख पा रहे हो मेरे बच्चों यहां पर क्या हो रहा है एक एक कम उपर, एक कम हुआ हुआ ऊपर फिर नीचे फिर एक कम हुआ ऊपर एक कम होगा नीचे बेटा नीचे एक ही जाएगा और ऊपर तीन ही रहेंगे यह गलत है यह गलत है आपका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर सही होगा बी भाई पहले एक ऊपर कम हुआ फिर नीचे कम हुआ फिर ऊपर कम हुआ अब नीचे कम होगा ध्यान रखना ठीक है भैया चलिए आंसर कीजिए बहुत प्यारा कई बार ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं सिस्मोलॉजी इज रिलेटेड विद अर्थ अर्थ क्वेक देन वॉट विल आंसर ऑफ वॉट इज द व्हाट वॉट इज द ऑप्शन विच इज रिलेटेड विद ओओलॉजी ओलॉजी 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 से क्या रिलेट करेगा सारे के सारे गोल्डी आंसर करो बेटिया हाँ आंसर कीजिए सत्या नीलम आंसर करो ओ नीलम बताओ अभी एक बार सारे के सारे जरा जोर लगा दो सभी के सभी साथी आंसर कीजिए बेटा ओओलॉजी अगर मैं तुम लोगों से कहूं यहां पर भूकंप विज्ञान भूकंप से संबंधित है ओलॉजी अंडे से संबंधित है ओलॉजी अंडे से संबंधित है अगर मैं आप सभी को कहूं पृथ्वी से रिलेटेड हो जाएगा जूलॉजी बेटा जियोलॉजी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन और यहां हो जाएगा बॉल्कोनोलॉजी और एनिमल्स का अध्ययन हो जाएगा मेरे बच्चों आप सभी के लिए क्या हो जाएगा सभी के सभी साथी सभी के सभी साथी बेटा बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं आप सभी के लिए हाँ भाई सारे के सारे है ना मेरे बच्चों सभी के सभी साथी कर लेंगे सबके सब ठीक सब। है भाई ओ ओ लॉजी बोलते हैं के अध्ययन को क्या बोलते हैं अंडे के अध्ययन को आंसर कीजिए डायग्राम मैं बना रहा हूं कुछ बोतल तोलिए हैं तो कुछ बोतल क्या हो जाएंगे बेटा तोलिए कुछ बोतल तोलिए हो जाएंगे भाई कुछ बोतल तोलिए और कोई भी बोतल तकिया नहीं है कोई भी बोतल कोई भी तोलिया तकिया नहीं है कोई भी तोलिया तकिया नहीं है और सभी बोतल साड़ी कोट है सभी बोतल साड़ी कोट है बाबू सभी बोतल एक काम करो यहां पर सिर्फ कोट कर लो इन्हें कोट कर लो सभी बोतल कोट है बात एक ही है सभी बोतल सभी बोतल कोट है ये डायग्राम बन जाएगा ठीक है भैया चलिए बोला कुछ बोतल तो हैं बिल्कुल सही है बेटा कुछ बोतल तो हैं ध्यान से देखो कुछ बोतल तो हैं कुछ बोतल तो हैं कोई कोट तोलिया नहीं है बेटा कोलिया और कोट का तो डायग्राम टच हो रहा है गलत हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं देगा कुछ बोतलें तकिया हैं कुछ बोतलें तकिया हैं बेटा बोतलों का तकिया से बिल्कुल संबंध नहीं है तो केवल पहला दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा केवल पहला दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर जाएगा सभी के सभी साथी जरा निकालो भाई सारे के सारे आंसर कीजिए भाई सभी के सभी साथी आंसर कीजिए भाई सारे के सारे वंदना दूसरा भी सही है बेटा आंसर करो भाई सारे के सारे रजनीश दूसरा भी सही है बेटा दूसरा एक मिनट रुकना दूसरा सही एक मिनट रुको 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 हमने क्या किया कोई नहीं केवल पहला सही सही आएगा हमने डायग्राम बनाया था क्योंकि कोट और तोलिया तो बेटा नहीं केवल पहला सही आएगा केवल पहला डायग्राम हमने सही बनाया था यहां भी सही लिखा था केवल पहला सही आएगा बेटा केवल पहला सही केवल पहला सही आएगा हमने लिखा भी था उसमें केवल एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं यार कैसे हे भगवान यहां एक मिनट जाओ डायग्राम दो मिनट में स, कुछ बोतल तोलिए हैं कुछ बोतल हैं बेटा और कोई भी लिए तकिया नहीं है कोई भी तो, तकिया नहीं है सभी बोतल साड़ी कोट है या इसे कोट कर लिया था हम लोगों ने आइए कुछ कोट तोलिए हैं कुछ कोट तोलिए सही है कोई कोट तोलिया नहीं है गलत हो जाएगा कुछ बोतल तकिया है कुछ बोतल तकिया गलत केवल पहला सही आएगा बेटा केवल पहला सही आएगा केवल पहला मेरे मुंहते निकल गई मेरे मुंहते निकल गई मेरे मुंह से निकल गई पहला सही आएगा ये नालायक मुस्कान के मित्र जिन्होंने मेरे हिसाब से आंसर चेंज कर दिया ना मैं बता रहा हूं जब तुम्हें लगे तुम सही हो तो इस दुनिया में कोई कितना भी गलत कहे ना तुमसे करने को करना मत चलो आंसर करो सारे के सारे आंसर कीजिए भाई कैसे कैसे लोग हैं सभी के सभी साथी मतलब देखो मेरे हिसाब से आंसर चेंज कर दिया इन्होंने मतलब मैंने सी करा तो इनका पहले ए ए आ रहा था फिर इनका सी 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 आने लगा अच्छा इसका सी कह रहे थे क्या तुम ओम फो आओ यहाँ ध्यान से देखो पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर बेटा इसमें रिवर्स लेकर चलते हैं कैसे लेकर चलते हैं रिवर्स और रिवर्स में प्रतिबिंब इसे हटाओगे यहाँ प्रतिबिंब रेखा रखोगे ये आप सभी के लिए आ जाएगा ये आप सभी के लिए आ जाएगा ध्यान रखना और ये आ जाएगा जब आप इसे हटाओगे तो मेरे बच्चों ये आप सभी के लिए आ जाएगा जो दर्पण प्रतिबिंब का बहुत रोल है इसमें ध्यान रखना दर्पण प्रतिबिंब का बहुत बड़ा रोल है तो ये जो त्रिभुज है बेटा एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे ऑप्शन नंबर सी ठीक है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आंसर कीजिए भाई ये कराया हुआ क्वेश्चन है ये करो जरा इस क्वेश्चन को करो सही है अच्छा जो पहला था वो चौथा है कोई बात नहीं बेटे आंसर कर दो आंसर कीजिए सर रोज ऑफलाइन क्लास करता हूं आज पहली बार ऑनलाइन पढ़ रहा हूं बहुत अच्छी बात है बेटे जितने बच्चे ऑफलाइन क्लास करते तुम्हें तो मजा भी आता होगा वास्तव में गुड इवनिंग दस मिनट और करेंगे क्लास फिर उसके बाद में आपकी छुट्टी कर देंगे मेरे पीठ सू में दर्द सा हो रहा थोड़ा सा समझा करो चलो आंसर कीजिए भाई सारे के सारे लेकिन दस मिनट ऐसा जोर लगा दो सेशन में कतई मजा सा कर दो एक बार कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन जिसने सही किया सबसे पहले उसका नाम लिया करूंगा मैं अगले क्वेश्चन से जिसने पहली बार पहला एकदम सबसे पहले आंसर किया उसका मेरा और जिनने गलत किया उसको तो तुम्हें पता ही है मैं दंड के के रूप में क्या करता हूं बेटा यहां तीन तीन लेटर लास्ट कट रहे हैं स्टार्टिंग के तीन, तीन तीन लेटर कम हो रहे हैं ध्यान से देखो तीन लेटर कम हुए तीन लेटर कम हुए अब यहां ध्यान से देखो मेरे बच्चों एल ओ के पहले दो लेटर एड हो रहे हैं और टी के बाद में दो लेटर हो रहे हैं एड देखो टी आई ओ और आप सभी के लिए ओ एल आ गया लास्ट में है ना आगे आ जाइए अब इसके बाद में यहां देखो सारे के सारे मेरे बच्चों जहां तीन तीन लेटर फिर से कम हो गए तीन यहां से कम हुए एन से स्टार्ट हुआ और तीन यहां से कम हुए अब फिर से दो दो लेटर और जोड़ेंगे जब आप इसमें दो दो लेटर और जोड़ दोगे तो एल ओ एन आई एस ए और यहां आ जाएगा टी आई बेटा टी आई लास्ट में आएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा यह क्वेश्चन यूपीएसआई के फेवरेट क्वेश्चन में से एक थे जो आज तुझ पर हंस रहे हैं वो कल तेरा गुणगान करेंगे कर कर दिखा ऐसा कोई कमाल जो तुझ पर कल सभी अभिमान करेंगे सभी अभिमान करेंगे क्वेश्चन बड़ा प्यारा है करिए जल्दी से सारे के सारे आंसर करो भाई इस क्वेश्चन का आंसर करो लब का कोड क्या होगा लब का कोड क्या होगा बेटा लब का कोड क्या होगा लब का कोड क्या होगा करिए भाई लब का कोड क्या होगा आंसर करो भाई सारे के सारे लब का कोड क्या होगा करिए सही है बेटा मैं चेक कर लूंगा अभी ठीक है बेटा चेक कर लूंगा मैं उसे चेक कर लूंगा सही है सबका उत्तर अभी तक गलत आ रहा है बेटा सबका उत्तर अभी तक गलत आ रहा है बेटा सबका उत्तर गलत आ रहा है सबका उत्तर गलत आ रहा है सबका उत्तर गलत आ रहा है करिए भाई सबका उत्तर गलत आ रहा है देखो वही वाली बात है ना अभी मैं इनसे कह दू ना तो अब ये गुस्सा दिला रहे हैं और मुझे जब गुस्सा आ गया ना तो फिर मैं बता रहा हूं चलो सी कर रहे हो बेटा अब आंसर आएगा तीन बाबू सी ऑप्शन क्यों कर रहे ध्यान से देखो ये लिखा है तीसरे नंबर पर मेरे बच्चों तीसरे नंबर पर और ये लिखा है तीसरे नंबर पर इन दोनों में लव और लब कॉमन है बेटा लब कॉमन है ऑप्शन नंबर आ गया बी तीन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीन इस ओ, रुको रुको जरा, रुको जरा पहले उस क्वेश्चन को करो करिए जल्दी से सारे के सारे करिए यार दस मिनट का और खेल है ये खेला फिर उठ जाना है खेला है खेला करो जल्दी से सारे के सारे डायग्राम इज इन द गेम फिगर आंसर कीजिए विच डायग्राम इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर आंसर कीजिए विच डायग्राम इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर आंसर कीजिए जल्दी से जल्दी करिए भाई सारे के सारे दिव्या बेटा आंसर करो सारे के सारे यहां पर बोलो गुरु जी बड़े चलाक हो मतलब दस मिनट पहले कह रहे थे दस मिनट बचें अब दस मिनट बात करो फिर से दस मिनट बचें बेटा क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखोगे बड़ा खतरनाक सा नहीं लग रहा तुम्हें क्या आ रहा भैया आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन ए ही ठीक है बेटे ऑप्शन ए ही ठीक है मेरे बच्चों ऑप्शन ए ही ठीक है यहां ध्यान से देखिए ये बन रहा है ये बन रहा है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल बी द परफेक्ट उत्तर फॉर द गिवन क्वेश्चन प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2021 का जो 2022 में हुआ था 2021 का क्वेश्चन है 2022 में आया था 2021 वाले यूपीएसआई में बोला हुआ है इस फल के अक्षर के नाम जो स्टार्ट होते हैं जो कुछ इन नंबर से बने हैं स्क्रेमल्ड वर्ड कहते हैं इसे -सी ए सी एच ई पी इससे कोई शब्द बन रहा है क्या इससे कोई शब्द बन रहा है और वो शब्द एक फल होना चाहिए क्या होना चाहिए एक फल होना चाहिए क्या होना चाहिए बेटा एक फल होना चाहिए क्या होना चाहिए एक फल होना चाहिए अब अगर आप देखोगे यहां पर सारे के सारे मेरे बच्चों इनसे रिलेटेड एक फल हो रहा है और फल कौन सा है जो है पीच पी ई ए सी एच बेटा पीच पीच कलर एक कलर भी होता है पीच और फल भी होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं आड़ू हिंदी में सॉरी आडू शब्द होता है बेटा आडू आडू ये इसीलिए तो बनाए हुए आडू आडू इसीलिए तो बनाया हुआ है मेरे बच्चों तो यहां पर अगर आप देखिए सही अक्षरों को ढंग से व्यवस्थित किया जाए अब गठित शब्द का चौथा अक्षर कौन सा होगा बेटा सी जो है वो चौथे वाले पर आएगा सी कौन से वाले पर आएगा चौथे वाले पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है आड़ू बन रहा है ध्यान क्या बनना मेरे बच्चों पीच पीच जिसे नहीं पता था वो आ, पीछ बेटा कलर भी होता है और पीच कलर जो होता है वो आड़ू के अंदर का जो कलर होता है ना बेटा वो पीच कलर ही होता है ध्यान रखना ये वाला सभी के सभी साथी बोलो गुरुजी एकदम से मनसा कर गया कतई है चलो बेटे आंसर कीजिए या इसे लास्ट में करोगे नहीं इतना करो चलो चुपचाप से करो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठो सारे के सारे आंसर करिए पांच व्यक्ति सीधी रेखा में नहीं बैठा सकते तुम बोलो गुरुजी एक बार वर्दी मिल जाए पांच सौ बैठा दूंगा एक सीधी रेखा में लाइन से लगाओ जरा इस क्वेश्चन को तमीज से लगाइए भाई क्वेश्चन को बोला पी क्यू आर एस टी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर बैठे हुए हैं अगर कोई उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है अगर कोई उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है तो मेरे बच्चों यहां ध्यान रखना ये वाला होगा दाया छोर और ये वाला होगा बाया छोर कोई अगर व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है तो बोला क्या है एस के दाएं केवल तीन व्यक्ति हैं बेटा एस के दाएं केवल एक दो तीन व्यक्ति बोला है पी और क्यू बीच बेटा पी और क्यू कोने पर नहीं बैठे इसका मतलब या तो पी इधर होगा या क्यू इधर होगा या क्यू इधर होगा या पी इधर होगा अब ध्यान से देखिए अब बोला टी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है टी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है तो बेटा क्यू को आप कभी भी यहां नहीं रख सकते क्योंकि तीसरा तो 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 इधर आता बेटा दो तीन का गैप होगा क्यू की पोजीशन ये फिक्स हो गई क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर बेटा टी आ जाएगा यहां पर अब टी यहां आ गया आर कहां बैठा है दाएं छोर पर आर बैठा है सीधी सी बात है जो रह गया खाली अब लिखा हुआ है एस के बाएं दूसरे स्थान पर बेटा एस के दाएं गलत हो गया क्यू के दाएं बगल में बिल्कुल ठीक है बेटा क्यू के दाएं बगल में टी के बाएं तीसरे नहीं बेटा क्यू के बाएं नहीं बेटा क्यू के दाएं बगल में है ऑप्शन नंबर क्यू के दाया ये दाया होगा ध्यान रखना क्यू के दाएं बगल में ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका आंसर सही हो जाएगा सारे के सारे आंसर कीजिए भाई जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी लास्ट के दस मिनट ऐसे गजब के क्वेश्चन है जो हिला के रख सकते हैं जिसमें सभी के सभी साथियों से कहूंगा बेटा बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये दस मिनट अपने आप को दे दो दुनिया से लास्ट के दस मिनट कमाल होता है तुम्हें पता होगा इस बात का अगर तुम मेरे सेशन करते हो लास्ट के दस मिनट में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन रैंकिंग ऑर्डर का है मैक्सिमम लोग बताने लिखा हुआ है सिनेमा में अंतिम पंक्ति में मैं बना रहा हूं तुम परेशान क्यों रहे हो नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा मैं किस लिए हूं सिनेमा की अंतिम पंक्ति में रोहन का बाएं से स्थान उन्नीसवा है बेटा रोहन का बाएं से स्थान उन्नीसवा है कपिल का दाएं से स्थान बेटा कपिल का कपिल का कपिल का दाएं से स्थान इकतीसवा है दाएं से स्थान कपिल का इकतीसवा एक बार बताओ एक तो तरीका ये कि ऐसे बैठा दिए एक तरीका ये है नॉन ओवरलैप एक तरीका है कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गए ये एक दूसरे को ओवरलैप कर गए बेटा ये, के आ ये आ गया ये आर आ गया और बीच में आपके छह लोग आ गए ये आ गया 19 और ये आ गया 31 बेटा अब इसमें बताओ मैक्सिमम कहा आएंगे मिनिमम बेटा मैक्सिमम आएंगे इसमें और मिनिमम आएंगे इसमें मिनिमम लोग आएंगे इसमें ध्यान रखना सारे के सारे सभी के सभी साथी क्यों मैक्सिमम आएंगे बेटा यहां मिनिमम क्यों आएंगे ये छह लाख लोग घटेंगे इसमें बेटा आपके ये जुड़ेंगे तो मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस का मिडिल और इसमें फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस का राइट right. माइनस का मिडिल क्योंकि घट रहा है और दो जने आपस में क्रॉस कर गए आर और के आपस में क्रॉस कर गए तो घट गए अगर मैक्सिमम पूछा तो सबको लिखकर जोड़ दो साथियों आंसर आएगा तीस प्लस बीस प्लस तो होगा 50 और 6 छप्पन अगर यहां मिनिमम पूछा जाता तो तुम लोग क्या करते बेटा लेफ्ट से वैल्यू दे रखी है उन्नीस राइट right से दे रखी है इकतीस और माइनस का मिडिल 6 माइनस का 2 मेरे बच्चों इसमें कितना घटा देते आप ग्यारह और इकतीस बयालीस इसका आंसर होता मिनिमम का मैक्सिमम का आंसर है छप्पन आंसर होगा छप्पन कितना होगा मेरे बच्चों छप्पन कितना होगा छप्पन माइनस प्लस नहीं करेंगे माइनस प्लस जितने भी बच्चे पचपन कर रहे हैं बेटा आपने क्या किया वो माइनस वन कर दिया तुमने रटा हुआ है रटना नहीं है ध्यान रखना सारे के सारे क्वेश्चन प्यारा है निकालो जरा ऐह चलो आंसर करो वे भगवान डन क्वेश्चन प्यारा था मजा आ गया सभी को मजा आ गया सभी को लास्ट के तीन क्वेश्चन और करेंगे लास्ट के तीन क्वेश्चन सही है भैया नीलम तीन क्वेश्चन और, और जितने भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो सभी के सभी साथियों से कहूंगा लाइक कर दीजिए भाई सारे के सारे मिलकर बिल्कुल लाइक कर दो मजा आ गया होगा सेशन में जितने बच्चे लास्ट तक रुके हैं ना बेटा मैं गारंटी देता हूं तुम लोगों को तुम लोग बहुत मेहनती हो मेहनत कर रहे हो अच्छे से चीजों को सीखो बेटा ये अट्ठारह की घात तीन लिखा हुआ है ये सोलह की घात तीन लिखा हुआ है तो पंद्रह की घात तीन आएगा यहाँ पर तैंतीस पिछहत्तर पहला आएगा तैंतीस पचहत्तर ये गलत हो गया आगे आइए ये पांच का वर्ग बटा दो लिखा हुआ है बेटा पच्चीस का आधा ये नौ का वर्ग बटा दो इक्यासी का आधा सात का वर्ग होगा उनचास और उनचास का जो आधा होगा वो होगा साथियों चार दो चौकास पॉइंट पांच चौबीस पॉइंट पांच बेटा तैतीस पिछहत्तर आएगा तो यहां चौबीस पॉइंट पांच आएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे बताऊं मेरा मन कर रहा है कि इन लोगों को बहुत मारू मैं नालायकों सीधे ये वर्ग बटा दो करना था तुम लोगों ने यहां पर सीधा वर्ग कर दिया सात का वर्ग उड़चास खत्म करो मामला हैं क्यों भैया ऐसे कैसे हो पाएगा विनोद चलो आओ अगला आ जाओ जल्दी से बेटा इसकी हमारा बेटा आंसर कीजिए जल्दी से चौदह मैं तुम लोगों को एक टेक्निक बताऊं इसमें एक ऑप्शन और लिख दो नन ऑफ दीज बेटा नन ऑफ दीज और कर लो इसमें इसमें एक ऑप्शन और लिख दो नन ऑफ दीज जल्दी से आंसर कीजिए बेटा सभी के सभी साथी निकालिए जल्दी से सारे के सारे मैं तरीका बता दे रहा हूं दिन निकालने का तरीका होता है महीना कौन सा चल रहा है बेटा मतलब महीने में डेट कौन सी है बेटा डेट और महीने का कोड कौन सा है और फिर सेंचुरी का कोड कौन सा है फिर साल कितने बचे और साल में कितने लीप ईयर आए बटा सात से भाग करके शेषफल लिख देते क्या लिख देते शेषफल तो फिलहाल क्योंकि ये 2012 है जनवरी का कोड शून्य होगा एक सौ जीरो पच्चीस होता है लेकिन ईयर के लिए बेटा जीरो रखते हैं साथियों यहाँ मंथ का कोड जीरो होगा सेंचुरी का कोड 2000 के लिए छह होता है अब आप सभी के सभी साथी इसको निकाल सकते हो यहां ध्यान रखना बेटा डेट की जगह आ गया चौदह जनवरी का कोड आ गया शून्य सेंचुरी का कोड आ गया छह, बारह की जगह बारह और बारह बटे चार की जगह आ गया तीन बेटा कितना आ गया तीन अब आप इसको लिखकर साथियों साथ से भाग कर लीजिए आपका काम बन जाएगा यहां बारह और तीन पंद्रह पंद्रह और छह इक्कीस और चौदह पैंतीस बेटा पैंतीस बटा सात शेषफल आ गया जीरो और जीरो का मतलब होता है सैटरडे 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 इसका आंसर सही आएगा नन ऑफ दीज इसका आंसर सही आएगा सैटरडे सिरी वॉज द डे ऑन फोर्टी जनवरी टू थाउजेंड ट्वेल्व सैटरडे रहे जनवरी हो ना फिर आंसर क्या नन ऑफ दीज ऑफ़ दिस, बेटा हमारी कभी गलत नहीं होती बेटे सीरी हमारी हमेशा सही होती है ठीक है बच्चों सभी को समझ में आया बोलो हाँ या ना? बोलो यार कुछ तो बोलो आंसर कीजिए तीन होगा विल बी अपोजिट ऑफ थ्री तीन का विपरीत क्या, क्या होगा निकालो तीन का विपरीत सारे के सारे निकालिए बेटे निकालिए शनिवार आ रहा है बेटा मुझे पता है सटरडे पार्टी होगी आइए तीन के विपरीत के लिए दो चार आ गया दो चार आ गया तीन का विपरीत डबल कॉमन ट्रिक से छ आ गया इज इन ऑप्शन नंबर डी उड़ाओ 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 आंसर कीजिए भाई भाई सारे के सारे के आंसर कीजे। आंसर कीजिए कीजिए सभी के सभी साथी रवि राठौर तेरा मन नहीं कर रहा ना कसम से बता रहा हूं मैं खत्म कर रहा हूं क्लास इस क्वेश्चन के बाद में खत्म है क्लास जा जी ले अपनी जिंदगी जा इसके बाद में नहीं इसके एक और बात कर लेते जा चलो आंसर करो आंसर कीजिए सभी के सभी साथी ध्यान से देखो बेटा जितने भी साथी हैं आप सभी को क्लास बहुत बेहतर लगी होगी मजा आया या नहीं क्लास में सच सच बताओ बेटा सभी के सभी साथी अगर मजा आया हो बेटा मजा बहुत जरूरी है जीवन में कोई भी काम करो ना एक वो मजा आना जरूरी है बेटा मजा आया तो सेशन को लाइक कर दो और जितने भी बच्चे इंस्टाग्राम पर हैं मुझे जितिन सर एग्जामपुर जे आई टी आई एल जितिन है जतिन जितिन सर एग्जामपुर को फॉलो कर लो ठीक है मेरे बच्चों जितने सर एग्जाम्पल को उसमें हम लोग लाइव आते रहते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा ये जो कप है ना ये उल्टा बन जाएगा कप और ये जो है ना मेरे बच्चों यहां इधर की तरफ आएगा ये तो ये गलत है ये गलत है ये गलत है बेटा ऑप्शन नंबर सी सही होगा ठीक है बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही होगा एक बहुत बड़ा अलाउंसमेंट इस क्वेश्चन को जल्दी से देखिए फिलहाल ये आप सभी के लिए अलाउंसमेंट है क्या है मेरे बच्चों आपकी एक नई क्लास एड ऑन हो रही है कौन सी मेरे बच्चों ये वाली क्लास कौन सी मेरे बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की शाम छः बजे ये क्लास है मेरे बच्चों आप सभी के लिए क्लास को जरूरी है करना बेटा और आप सभी के लिए एक ये वाला जितने भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जितने भी भाई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बेटा आप सभी के लिए यूपी पुलिस के लिए मेरे बच्चों सामान्य सामान्य हिंदी की एक बुक आप सभी के लिए दी जा रही है यह तीस और इकतीस को होगा आप सभी के लिए जो आप चल रही है ये सबसे बेस्ट है साथियों इस बुक के साथ में आप हिंदी का बी बैच विवेक सर का यहां पर फ्री दिया जा रहा है आज ही इसको एनरोल कर लीजिए सभी के सभी साथी मेरे बच्चों सारे के सारे सेशन कैसा लगा आप सभी के सभी साथी जरूर आप सभी के सभी साथियों से कहूंगा बताइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क से करके लेकर आओगे ये क्वेश्चन होमवर्क से सभी के सभी साथियों से और एक क्वेश्चन ये वाला मेरे बच्चों ये दो क्वेश्चन होमवर्क से मेरे बच्चों मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन ग्यारह बज चुके हैं आप सभी के लिए हालांकि ये क्लास नौ बजे से हो तो आठ बजे से थी लेकिन ड्यू टू द सम सरकम स्टांसिस ये क्लास कितने बजे हो गई मेरे बच्चों आप सभी के लिए ये क्लास हो गई कितने बजे नौ बजे अगर ये सपना है ना बेटा सभी का ये मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी है तैयारी कीजिए सफलता तभी मिलेगी जब अपने आप से साथियों झूठ बोलना बंद कर दोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं मेहनत करोगे तो बेटा ये पॉसिबल भी है सभी के सभी साथियों से कहूंगा मेरे बच्चों खुद के लिए मेहनत करो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी साथ ही साथ आप सभी के लिए मेरे भाइयों सेशन में किसी भी रूप में मैं कमी नहीं होने दूंगा मैं वादा करता हूं तुम लोगों से मैं किसी भी रूप में कमी नहीं हो दूंगा सभी के सभी साथियों से दो क्लास अपनी ये भी चलती है एक तीन बजे दिल्ली पुलिस की और नौ बजे एस एस सी एम की क्लास चलती है बेटा मेहनत कीजिए सारे के सारे मेरा नाम है जितिन कुमार आप सभी को मुझसे पढ़कर कैसा लगा जरूर बताइएगा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू यू सो मच गॉड जय हिंद जगजामपुरपुर सभी के सभी साथी अपना अपना ध्यान रखिए गॉड ब्लेस यू आप सभी को मेरा नमस्कार कमेंट में फीडबैक देकर जरूर जाइएगा कैसा लगा आप सभी को सचल कल मिलेंगे दोपहर तीन बजे तीन बजे सभी के सभी साथी और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा जितिन सर एगजामपुर जय हिंद ध्यान